इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। लेखक हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। प्रस्तावना। इकिगाई एक जादुई शब्द। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। इस किताब के दोनों लेखक हम दोनों पहली बार मिलकर चर्चा कर रहे थे टोक्यो में। तभी पहली बार इस किताब के बीज बोए थे। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा था, लेकिन यह पहली ही बार था जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से इस किताब का निर्माण हुआ। उस मुलाकात के तकरीबन एक साल बाद हम दोनों दोबारा मिले। बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खास करके उस लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत की जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रांकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसकी बजाय वे कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं, लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों का आयुर्मान काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रति 1,00,000 लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जापान में रहने वाले लोगों बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज्यादा साल जीते हैं। इनमें कोई शक नहीं है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा और सुखद होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की ज्यादा साल जीने के पीछे असली वजह होती है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई कि इस विषय के पर प्रकाश डालने वाली कोई भी किताब या व्यक्तित्व मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं थी। हमारे मन में और एक सवाल आया, ओकिनावा में रहने वाले लोगों को जीवन के अंत तक सक्रिय रहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती होगी? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें दक्षिणी जापान स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3,000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। हमने यह खोजने की ठान ली कि इन लोगों की इतनी बड़ी संख्या में सजायु होने के पीछे असली वजह क्या है। हमने हर पहलू की पड़ताल शुरू कर दी। कहीं ओकिनावा में पाया जाने वाला शिकुवासा फल तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है? मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे की वजह तो नहीं है? खोज शुरू होने के एक साल के अंदर ही हमारी पूरी टीम कैमरे के साथ ओकिनावा पहुंच गई। वहां के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और लंबे बालों वाले बुना गया के उसूलों के अनुसार जीते हैं। हमारे पहुंचते ही वहां के लोगों ने स्नेहशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। हमें महसूस हुआ कि वे अनोखी ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब हमने वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंट वार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहां पर कुछ और भी है जिसकी वजह से वहां के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहां के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर एक बार इकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने वहां के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई मतलब क्या, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी।
उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारी बो चोड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारी बो चोड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों ने आप कभी ना मिले हों उनके बारे में भी यह मानकर जिए कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला था वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही संघ भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और व्यायाम उनके स्वास्थ्य के कारण है, लेकिन उनके पूर्णतः संतुष्ट आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है, क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिरेलस। इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निवृत्त मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए, यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर डैन ब्यूटर ने काफी समय जापान में बिताया और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। युवा लोगों का राज्य। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खास खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि वे लोग सिर्फ ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती हैं। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 70% पेट भरने तक खाना खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहाँ की महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति होती है उस समय उनका शरीर बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेरक ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। यह बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई है। दीर्घायु लोगों के 5 लाख ब्लू जोन। ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती हैं। डैन ब्यूटनर ने इस प्रकार की 5 जगहों का अध्ययन किया जो इस प्रकार हैं। ओकिनावा, जापान, दक्षिण का इलाका।
यहाँ के लोग एक छोटी सी डिश में टोफू और इसी प्रकार की कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां डालकर खाते हैं। इकिगाई को जानने के साथ साथ मोई यानी कि दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है। सार्डिनिया, इटली। यहाँ के लोग भारी मात्रा में सब्जियां खाते हैं और रोज एक या दो ग्लास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी अपनी लंबी उम्र का श्रेय सामाजिक जुड़ाव की भावना को देते हैं। लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। यहाँ के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट इस ग्रुप के लोगों का निरीक्षण किया गया। ये लोग अमरीका के दीर्घायु लोगों में से थे। द निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों में और बगीचों में काम करते हैं। इकारिया, ग्रीस, तुर्की। यहाँ के समंदर किनारे रहने वाले लोग में हर 3 में से एक इंसान 90 साल से ऊपर जीता ही जीता है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है। 500 BC से चली आई जीवन शैली को इसका श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का अभ्यास करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं। इस वजह से वहां पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों ही मदद करना और लोगों का इकिगाई होता है और वही उनके शतायु जीवन का राज है। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं, प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरापान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते लेकिन कुछ निश्चित और हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, साथ ही पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं। गाड़ी से जाने की बजाय वे पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाथी भू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफ़ी पुरानी सीख है जिसमें इतना ना खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं, इसीलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज़्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें खाने के बाद, सेब का रस आदि चीज़ें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हों, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियाँ और उससे थोड़ी बड़ी थाली, ऐसा कुल 5 थालियाँ होती हैं। जब आप 5 थालियाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना ख़त्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसीलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वज़न घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 2300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 23 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यह 18 से 22 है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि 80% में क्या क्या आता है। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं, यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट।
इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोवाई संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिस खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोवाई के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। जब वे मिलते हैं तो खाना, गपशप और शतरंज जैसा एक खेल या इसके जैसी कई सारी चीज़ें करते हैं और जमा किए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बचते हैं वे समूह के किसी एक सदस्य को दे दिए जाते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मोवाई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मोवाई के किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा संघ है इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंददायक और दीर्घायु जीवन देती है। उम्र बढ़ने के परे की कहानी। पिछली सदी में हम अपने आयुर्मान को हर साल 0.3 साल बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसा तंत्र ज्ञान आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयुर्मान को हर साल एक साल से बढ़ा सकें तो हम उम्र बढ़ने की गति को पीछे छोड़ देंगे और जीवन शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से अमर हो जाएंगे। भविष्य के बारे में काफ़ी सकारात्मक रे कुर्जवेल और ओब्रे द ग्रे इनको लगता है कि आने वाले 10 सालों में हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। हालांकि कुछ शास्त्र ज्ञान मानते हैं कि ऐसा हो पाना असंभव है। हमने तंत्र ज्ञान में चाहे कितना भी विकास क्यों न किया हो लेकिन हम अपनी आयु को एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई पेशियों का बनना बंद हो जाता है। अमृत और खरगोश। ऐसा सोचिए कि दूर कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा हुआ है। उस उम्र तक पहुंचते ही आपकी मौत होने वाली है। वह बोर्ड आपके भविष्य में है और आप उस बोर्ड की ओर यात्रा कर रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ आप उस बोर्ड के और नज़दीक जा रहे हैं। जब आप उस बोर्ड के पास पहुँचोगे तो आपकी मौत होगी। अब इस प्रकार से सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। आप जब एक साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आधा साल आगे जाता है। इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुंचोगे और आपकी मौत आ जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल एक साल आगे जाने लगा तो क्या होगा? उसकी गति हर साल के लिए एक साल की होगी तो आप उस खरगोश तक कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे और आपकी कभी भी मौत नहीं होगी। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा है वह है हमारा तंत्र ज्ञान। हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे उतना ही हम उस खरगोश को तेज भगाने में सफल होंगे। अमृत यानी वह स्थिति जब हम खरगोश को हर साल एक साल या उससे भी ज़्यादा आगे भेजने में कामयाब हों और कभी भी उस तक ना पहुँचने की वजह से अमर हो जाएं। कार्यक्षम मन युवा शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। यह पुरानी कहावत वाकई काफ़ी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत में हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज़्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम न करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम ना करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा भी कमज़ोर होने लगती है और फिर परिस्थितियों व माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी यंत्रणा कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की ज़रूरत होती ही है ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमो ब्रिजनाइट कहते हैं, दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। स्पेनिश टेलीविजन के साथ एक मुलाकात में एडवर्ड पुंसेट ने कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है इसमें हमेशा ही दुविधा होती है जिसकी वजह से ही तनाव का निर्माण होता है।
खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है, दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने की बजाय उसी चीज को दोहराना ज्यादा पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है। कार्यक्षमता के स्तर पर और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसीलिए लोग अपनी दिनचर्या बदलने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होते, उनको वही काम करने में मजा आता है। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना जरूरी है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है, इसीलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है, इसीलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। दिमाग को प्रशिक्षण देने से क्या क्या फायदे होते हैं और यह विज्ञान ने साबित किया है। कोलिंस हेमिंग्वे और श्लोमो ब्रिजनिट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं, जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज्यादा कष्ट होते हैं, लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है, असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की स्व प्रतिमा भी बढ़ती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है, इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे न्यूरॉन्स दिमाग की पेशियां व्यस्त होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीजों की वजह से न्यूरॉन्स के व्यस्त होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नजरिया और जोश जैसे कई फायदे मिलते हैं। तनाव दीर्घायु का मारक। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अधःपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को भेंटवार्ता के लिए भेजा। इस भेंटवार्ता को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट कठिन गणित के प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने इस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई, लेकिन असली समस्या यह होती है कि यह शक्ति सिर्फ रोग बढ़ाने वाली पेशियों पर हमला नहीं करती वरन अच्छी पेशियों पर भी करती है। इस वजह से हम कम उम्र के लोग बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने 39 माताओं के खून की जांच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं के लिए भी जांच की। तब उन्हें यह पता चला कि तनाव पेशियों के टॉलमेरस इस रचना पर ही हमला करते हैं, जिससे पेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेशियां व्यस्त होने लगती हैं। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज्यादा तनाव होता है पेशियों पर उतना ही बुरा असर होता है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो प्रतिक्रिया अच्छी है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। उत्क्रांति की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आए और समस्याओं से बच सकें।
जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स की निर्मिति होती है और कॉर्टिकोपिन निर्मित होता है। उसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि की संकेत मिलता है और एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रिनलिन हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति बढ़ाता है और पल्स रेट बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं, जो सामने आए खतरे से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कॉर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है, साथ ही यह मस्तिष्क की याददाश्त से संबोधित पेशियों पर भी नकारात्मक असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद ना आना, चिंता और उच्च रक्तचाप। माना कि सामने आने वाली परिस्थितियां हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की जरूरत पैदा करती हैं, लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपने दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग माइंडफुल रहें। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसीलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों का बिना विजय होने वाला गुत्ता हम रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वे कहते हैं, हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है और जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो ऑमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छानकर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबोधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता का हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज्यादा समय रहने वाला और ज्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं, वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदायी और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज़्यादा यकीन करीबन 110 से ज़्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफ़ी अच्छा जीवन जी पाए और ख़ास बात तो यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है,
इससे उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी होने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहजमी, हृदय रोग और हड्डियों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर होता है और पूरा शरीर संस्था का काम बिगड़ता है। यह समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है, उन बच्चों में काफी कम उम्र में मोटापे जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। यही मोटापा आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसीलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालना काफी जरूरी होता है। एक जगह पर बैठे न रहना उतना ही मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल और रोजमर्रा की जिंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों का अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन, ऑफिस जाते समय पैदल जाएं। अगर यह संभव नहीं है तो रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है, उस समय में शरीर को हलचल करने का मौका मिलता है। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें, इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी संघ के सदस्य बने, इससे शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही स्व प्रतिमा भी ऊंची होती है। अपने रोज के कामों को सजगता से देखें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होते हैं और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। स्वस्थ रहने का राज। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है। माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तरों पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा। हमारे शरीर के अंदर जो जो बदलाव होते हैं वे त्वचा पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं कि किसी भी फैशन शो के एक दिन से पहले वे रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा को एक अनोखी आभा मिलती है और उनकी त्वचा ज्यादा स्वस्थ और झुर्री रहित दिखने लगती है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलाटोनिन हमें ज्यादा साल जीने में तो मदद करता ही है, साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए जरूरी घटकों की निर्मिति होती है, कुदरती इंसुलिन की निर्मिति होती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग प्रतिबंधक घटकों की निर्मिति होती है। इन वजहों से मेलाटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन की निर्मिति अपने आप कम हो जाती है, पर आगे दिए गए उपायों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलित भोजन और उसमें भी कैल्शियम का ज्यादा मात्रा में सेवन करना। इसका ख्याल रखना कि रोज आपके शरीर को सही मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले। सही मात्रा में नींद लेना। गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, मद्य और तंबाकू और कैफीन जैसी चीजों को टालना। गहरी नींद ना लगे तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती है। इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से मेलाटोनिन की निर्मिति हो सकती है और उससे लंबी उम्र पाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। युवा रहने का नजरिया। हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफी प्रभाव होता है। कई सारे डॉक्टर यह मानते हैं कि शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना जरूरी है। यही इकिगाई का तत्व है। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा, हमेशा जोशपूर्ण और कार्यक्षम रहने की कला हमें सीखनी होगी।
येशिवा यूनिवर्सिटी में किए गए एक सर्वेक्षण में दो समान रहस्य पाए गए। एक तो यह कि इन लोगों के अंदर असामान्य सकारात्मक नजरिया होता है और दूसरी बात यह है कि वे भावनात्मक दृष्टि से सक्षम होते हैं। इसे दूसरी भाषा में बताएं तो जो लोग समस्याओं को और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को दिशा देना जानते हैं वे लोग लंबी आयु की यात्रा में सही दिशा में हैं। शोषित नजरिया, समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी न खोने का वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती हैं और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। 100 साल और उससे भी ज्यादा लंबी उम्र पाए हुए लोगों में कुछ समान चीजें देखने को मिली। इन लोगों के जीवन में समस्याएं आई हुई होती हैं, लेकिन उन्होंने समस्या की ओर देखने का सकारात्मक नजरिया विकसित किया होता है। वे समस्या का सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के ऊपर जीत पाते हैं। 2014 में विश्व के सबसे उम्रदराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्षीय अलेक्जेंडर एमिच ऐसा मानते हैं कि बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि आप कैसा जीवन जीते हैं यह बात भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। दीर्घायु काव्य, जब हम ओगी में थे तो करीबन 100 साल आयु की एक महिला ने एक कविता सुनाई। यह कविता उन्होंने उनकी भाषा और जापानी भाषा में गाकर सुनाई। इसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस प्रकार होगा। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े और खुशी से खाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और तुरंत चलने लगें। हम हर दिन बड़ी शांति के साथ जीते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए हम सभी दोस्तों से अपनेपन का प्रताप करते हैं। गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो, हम मनाते हैं सारी ऋतुएं। आपकी उंगलियों कितनी उम्र की हैं इसकी चिंता ना करें। अपने मस्तिष्क और हाथों की मदद से काम करते रहें। हमेशा काम में मशगूल रहें और काम करते रहें। 100 साल आपकी ओर चलते हुए आएंगे। अब हम अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके अगले पन्ने की ओर जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर हम दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे समझने वाले हैं। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी यानी क्या? विक्टर फ्रंकल के एक सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइकोएनालिसिस में मरीज लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीजें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता। फिर उन्होंने फ्रंकल से पूछा, आप अपनी मानस शास्त्रीय थेरेपी लोगोथेरेपी के बारे में एक पंक्ति में क्या बताएंगे? इस पर फ्रंकल बोले, हमारी थेरेपी में मरीज कुर्सी पर बैठा होता है और वे बातें सुनता है जो बाकी समय सुनना उसके लिए कठिन होता है। फ्रंकल ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की? इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है, वह आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीने का उद्देश्य, वियना क्लिनिक में फ्रंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है और 60% लोगों ने यह माना कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिसके लिए वे मरने को भी तैयार हैं। जीवन के असली अर्थ की खोज, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रंकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया और उनके खोज कार्य में अजीब सी गति आ गई। लोगोथेरेपी को अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दी गई 5 पंक्तियों में बताया जा सकता है। लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, खासकर निराशा के समय में। मरीज अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है और उसे नकारता है।
उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नजरिए में जीवन जीने लगता है। फ्रंकल अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार था। ऑस्ट्रिच में जब वह कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किसी नजरिए से देखना है और उसका किस भावना के साथ सामना करना है, यह आजादी आप किसी से कभी भी नहीं छीन सकते। किसी भी परिस्थिति में कौन सा नजरिया रखना है और कौन सी भावना के साथ लड़ना है, यह आजादी कोई भी इंसान किसी भी इंसान से नहीं छीन सकता। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद के खुद समस्याओं का सामना भी किया और इसी चीज से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। साइकोएनालिसिस और लोगोथेरेपी में मुख्य अंतर। साइकोएनालिसिस, मरीज कोच पर आराम से लेटा हुआ होता है। लोगोथेरेपी, मरीज थेरेपिस्ट की ओर मुंह करके बैठता है। साइकोएनालिसिस में भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है। लोगोथेरेपी में भविष्य के बारे में सोचा जाता है, न्यूरॉन्स का अध्ययन नहीं किया जाता। साइकोएनालिसिस में आनंद पाने की ओर ज्यादा ध्यान होता है, लोगोथेरेपी में जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही मुख्य उद्देश्य होता है। साइकोएनालिसिस में मानव शास्त्र का आधार लिया जाता है, लोगोथेरेपी में अध्यात्म का धागा खोजा जाता है। साइकोएनालिसिस में मरीज की मानसिकता क्या है यह समझने पर जोर दिया जाता है। लोगोथेरेपी में मानसिकता के साथ साथ मरीज को अपने असली अस्तित्व की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साइकोएनालिसिस में मरीज को क्या लगता है इसे महत्व दिया जाता है। लोगोथेरेपी में मरीज को क्या लगता है इसके साथ ही अध्यात्म इस विषय में क्या कहता है उस बात का भी आधार लिया जाता है। साइकोएनालिसिस में मन की दुविधा दूर करने पर काम किया जाता है। लोगोथेरेपी में मन में दुविधा किस कारण से है उस कारण की खोज करके उसकी जड़ तक जाते हैं। साइकोएनालिसिस में विश्वास केंद्र स्थान में नहीं होता। लोगोथेरेपी में विश्वास ही इस पूरी थेरेपी की नींव होती है। साइकोएनालिसिस में समस्या को दूर करके मरीज को संतुष्ट बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लोगोथेरेपी में मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रंकल इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नवनिर्माण की वजह बनती है, इसीलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रतिक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैन सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रंकल ने ऐसी कल्पना की है कि जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है उसे कैसे का जवाब भी मिलता है। फ्रंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के प्रगत जग में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है और वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वो वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आज़ादी मिले इस भागदौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता, उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूंगा, इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं, इस सवाल के जवाब में वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग इकिगाई की खोज करने लगते हैं।
लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की यह लड़ाई जीत लेता है। फ्रंकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कृति में परिवर्तित किया। जब वे अपने भूतकाल में झांक कर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण टॉर्टे कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं हैं, बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं तो वैसी चीजें घटने लगती हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज हमसे अपने आप दूर जाती है। खुश मिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। अगले कुछ पन्नों पर हम फ्रंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी एक, विक्टर फ्रंकल। जन्मर कंस्ट्रक्शन कैंप नाजी प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज्यादा थी। फ्रंकल के बारे में भी यह बात सही साबित थी। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला उदाहरण है। फ्रंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहां से बाहर आकर वह जब ऑस्ट्रोविच में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि कैंप में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी उन्हें वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लिख कर रखते थे। केस स्टडी दो, अमेरिकन राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका से एक राजनीतिज्ञ फ्रंकल से सलाह लेने के लिए आए थे। अमेरिका में वह पहले से मनोचिकित्सकों की सलाह ले रहे थे। फ्रंकल ने उनसे एक मूलभूत सवाल पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनोचिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? तब उन्होंने बताया, हमारे नियम और पर राष्ट्र नीति मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार का सदस्य होने के कारण मुझे इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह जिस भी मनोचिकित्सक के पास जाते थे वह यही कहता था कि उनका अपने पिताजी के साथ जो भी मनमुटाव है उसे दूर करें और वैचारिक भिन्नता होते हुए भी ऐसा बर्ताव करें जैसे दोनों एक ही विचारधारा के हैं। सभी ने उनको यही राय दी, लेकिन कई साल कोशिश करने के बाद भी वह उस राय को अमल में नहीं ला सके। फ्रंकल ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी राजनीतिक मतभेदों की वजह से नहीं है, बल्कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है, इस बात से उन्हें परेशानी है। कुछ भी ना करने की वजह से मरीज काफी परेशान हो जाता है और कुछ तो करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे अगले पड़ाव में भेजा जाता है। दूसरा पड़ाव, हल्का व्यवसायिक प्रशिक्षण 5 से 7 दिन। इस समय में अच्छे से माहौल में मरीज को हल्के हल्के काम दिए जाते हैं, जैसे कि बगीचे में काम करना, चित्र बनाना और रंग काम आदि। इन कामों को करते वक्त आने वाले विचारों के बाबत उसे अपनी डायरी में टिप्पणियां लिखने को कहा जाता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती। तीसरा पड़ाव, व्यवसायिक थेरेपी 5 से 7 दिन। इस समय में मरीज को ज्यादा कष्ट वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उससे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, रंग काम, सिरेमिक के बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस समय में मरीज काम से संबंधित लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। चौथा पड़ाव, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज को दोबारा अपनी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है।
अपनी पहले वाली दुनिया में वापस लौटने के बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक और मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है। नाइकन ध्यान पद्धति। जेन मास्टर मोरितो और नाइकन इस आत्म परीक्षण के संबंधित ध्यान पद्धति के अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इसी कार्य प्रणाली पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने आप से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। मुझे किसी इंसान से क्या मिला है, मैंने उस इंसान को क्या दिया है, मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई है। इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ होती रहती है वह अपने आप ही कम हो जाती है। सामने वाला इंसान दोषी महसूस न होते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरितो कहते हैं कि अगर आप अपने गुस्से में हों और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा है तो 3 दिन रुकें और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकिगाई। लोगो थेरेपी और मोरितो थेरेपी, ये दोनों अपने आप अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की आवश्यकता नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार यह लड़ाई आपने जीती और आपको आपका इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। अगले पड़ाव पर हम इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानकर उनका सामना करने को आपकी तैयारी हो, तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। आपको जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं क्या? फ्लो की खोज। कार्य का और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें? हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे बनते हैं, इसीलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। अरस्तु। बहाव के साथ जाना। ऐसा सोचिए कि आप अपनी सबसे मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफेद रेत जैसी बर्फ आपके दोनों ओर उड़ रही है। माहौल एकदम खुश मिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी हलचल करनी है यह आपको पक्का पता है। वहाँ न भूतकाल है न ही भविष्य, वहाँ तो सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है। आप बर्फ का आनंद ले रहे हो। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हो कि स्केटिंग, आप और सजगता, ये तीनों बातें 3 न रहकर 1 हो गई हैं। आप एक क्रिया में डूब जाते हो और दूसरा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता, न ही आपको तकलीफ देता है। उस वक्त आपका अहंकार भी जैसे गायब हो गया है और आप उस क्रिया का ही एक अंग बन चुके हैं। कुछ लोगों को यही अनुभव गाड़ी चलाते वक्त, तो कुछ लोगों को कुदरत के साथ, तो कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ते वक्त, कोई चित्र बनाते वक्त चित्र में, तो कोई गाना गाते वक्त संगीत में खो जाता है, उस कार्य के साथ एक रूप हो जाता है। बी वाटर माई फ्रेंड। इस पंक्ति में ब्रूस ली ने एक रूपता के अपने अनुभव को बयान किया है। हम में से सभी ने कभी न कभी एक रूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपना सबसे पसंदीदा काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता। कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूलकर उसमें खो जाते हैं। हम तालाब में तैरने या समुन्दर में खेलने जाते हैं तो हमने समुन्दर में कितना समय बिताया यह दूसरे दिन दर्द करने वाला शरीर ही बताता है। इसके उलट जब भी हम कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं है, हमेशा हम घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, न वह आगे बढ़ती है न ही हमारा काम। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के नियम के बारे में हंसी मजाक में कहते थे कि अगर आपने गैस के ऊपर हाथ रखा तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है, वहीं अगर आप किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़ कर बैठे हो तो 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही असली सापेक्षता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है कि जो काम किसी को पसंद आता है वही दूसरे को तकलीफ दे लगता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। भाव की शक्ति। मनोवैज्ञानिक
सिसिक्स जिन मिहाली के मन में यही सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की। किसी काम के साथ एक रूप हो जाना उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था में उन्होंने फ्लो नाम दिया। उन्होंने बताया कि फ्लो मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में डूब जाते हैं। जैसे इकिगाई को जानने का कोई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से फ्लो में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नजदीक लेकर जाते हैं। चॉकलेट, टीवी, ड्रग्स और मद्य जैसी क्षणिक व नकली आनंद देने वाली चीजों में न फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता होती है। सिसिक्स जेन मिहाली ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में फ्लो के बारे में लिखा है कि इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे ज्यादा पसंद आता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हों ऐसा नहीं है। कई सारे एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काफी सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं। सिसिक्स जेन मिहाली के हिसाब से शतरंज का खिलाड़ी चाल सोचते वक्त, गणितज्ञ सूत्र खोजते वक्त और डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस अवस्था में जीते ही हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर सिसिक्स जेन मिहाली ने कई सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकाला कि फ्लो की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। न्यूयॉर्क हो या ओकिनावा, सभी की फ्लो की अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है? जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता है। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है तो आगे दिए गए उपाय करके देखें, आपको फ्लो में आने में मदद मिलेगी। फ्लो लाने वाली सात अवस्थाएं। ओवेन शाफर डेपॉल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हिसाब से फ्लो में आने के लिए नीचे दी गई चीजों की जरूरत होती है। पहला, क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। दूसरा, कैसे करना है यह पता होना चाहिए। तीसरा, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। चौथा, कहाँ जाना है यह पता होना चाहिए जब कार्य में दिशा महत्वपूर्ण होती है। पांचवा, सामने कौन सी चुनौतियां हैं इसकी जानकारी होना। छठा, कौन सी कुशलताओं की जरूरत है यह पता होना। और सातवा, मन विचलित ना होना। उपाय एक, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज्यादा कठिन ना हो। सफर की कार्य प्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजें जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो, हमारी आराम सीमा से वह काम थोड़ा बाहर का हो। हर काम के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए भी हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर हम कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मजा नहीं आता, वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत होती हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा होता है तो दोगुना नुकसान होता है, एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा आती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इन दोनों का सुवर्ण मध्य पाना ही मूल संकल्पना है। इसीलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें, इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौती का भी एहसास होगा। इसी वजह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ। काम करते वक्त हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए, इससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। बर्टेंड रसेल इस बारे में कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हो तो आपको काम आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो नई लैंग्वेज सीखें।
अगर डांसर हैं तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो आज तक आपको कठिन लग रही थी। हर बार काम करते वक्त उस कार्य में कोई ऐसी बात जोड़ें जिससे आपकी आराम सीमा टूटे। पढ़ने जैसे छोटे से कार्य में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशल फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए ली और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को नीचे रख देंगे। या हम किसी ऐसी किताब को पढ़ें जिस विषय में हमें पूरी जानकारी हो तो भी हम उस किताब को तुरंत नीचे रख देंगे। इसके विपरीत अगर हमने अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को चालना भी मिलेगी, साथ ही हम फ्लो में भी आएंगे। यही आनंद और फ्लो इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं। उपाय दो, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेलों और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों में फ्लो प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यही होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है। तय किए गए नियमों की मदद से अपने दुश्मन को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ना भी एक लक्ष्य होता है। दुर्भाग्यवश इन खेलों में मकसद जितने स्पष्ट होते हैं उतने जीवन के बाकी कामों में नहीं होते। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक सर्वे में जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायतें लिखने के लिए कहा था, इससे पता चला कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ज़्यादातर कर्मचारियों की अपने बॉस के प्रति सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि हमारे बॉस हमारी टीम को मिशन के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं देते हैं। इसकी वजह से यही समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। कंपनियों में बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और इसी से संबंधित कई सारे अन्य कामों में अटके रहते हैं। इनके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं होता है। यह तो ऐसा ही है कि हम लक्ष्य के साथ समुंदर की यात्रा पर निकले लेकिन यही पक्का ना हो कि कहाँ पहुँचना है। लक्ष्य से भी महत्वपूर्ण है कंपास, जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। MIT मीडिया के लैब डायरेक्टर के जोई ईटो हमेशा यह सिद्धांत बताते हैं कि लक्ष्य से भी ज़्यादा अच्छा है कंपास। उनके हिसाब से इस अनिश्चितता से भरे विश्व में कंपास ही हमारी मदद कर सकता है। विप्लेश हाउ टू सर्वाइव आवर फास्टर फ्यूचर नामक किताब में जेफ होवे लिखते हैं कि जब आपके पास नक्शा होता है तो वह आपको ऐसी जगह पर जरूर लेकर जा सकता है जो शानदार होगी, लेकिन वहां पर जाना कई बार बेवजह और फिजूल खर्ची वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंपास है तो वह आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर जाना आपके लिए सही होगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपने लक्ष्य तय किया तो तुरंत आपकी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आप एक बार यह तय करें कि कहाँ पहुँचना है और फिर उस लक्ष्य तक कम से कम कष्ट में और सही समय में कंपास आपको पहुँचाएगा। किसी भी कारोबार में या कोई सृजनात्मक काम करते वक्त यह पता होना जरूरी होता है कि उस काम से हमें क्या हासिल करना है। इसीलिए उस कार्य को करने से पहले यह पक्का करने के लिए कि हमें उससे क्या पाना है, हम अपने आप से नीचे दिए गए सवाल पूछ सकते हैं। आज दिन भर में मुझे क्या हासिल करना है? अगले महीने प्रकाशित होने वाले आर्टिकल के लिए मैंने आज कितने शब्द लिखे हैं? मेरी टीम का इस वक्त क्या मिशन है? अगर यह काम मुझे इस हफ्ते पूरा करना है तो मुझे किस गति से कार्य को पूरा करना होगा? फ्लो हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी काम शुरू होने के बाद उस काम में अपने आप को झोंक देना भी होता है। यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उसका जाप करते रहने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसके मुंह में बाकी चीजों को भूलना होता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मेडल का विचार आना स्वाभाविक है। वह मेडल कितना आकर्षक होगा, ऐसे विचार तो उसे आने ही वाले हैं, लेकिन उसे ये सभी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है। अगर प्रतियोगिता के वक्त उसे ऐसे विचार आने लगे कि मेडल मिलने वाले वक्त कैसा माहौल होगा, पेपर में कैसा फोटो आएगा, माता पिता को कैसा लगेगा, दोस्त क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, तो प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पल वह खो देगा और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण विचार ही उसकी हार की वजह बन जाएगा। लेखक के साथ में कई बार ऐसा होता है, समझो कोई लेखिका है जिसे कादंबरी लिखनी है, उसके सामने यह लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि उसे 3 महीने में वह कादंबरी पूरी करनी है। रोज सुबह उठने के बाद वह यह तय करती है कि मुझे आज इतने पन्ने लिखने हैं, लेकिन दूसरे ही पल वह इस लक्ष्य को भूलकर पेपर पढ़ने
साफ सफाई करने या ऐसे ही और कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम तक कोई भी काम ठीक से न होने की वजह से वह नाराज होती है। उस वक्त वह यही सोचती है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत करूंगी, लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बर्बादी शुरू हो जाती है। इस तरह दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बीत जाते हैं, लेकिन लेखिका कागज पर कुछ भी नहीं लिख पाती। अगर ये सभी बातें टालनी है तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि कागज और पेन लेकर पहला शब्द लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, ऐसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह यदि एक एक शब्द के साथ उसने लिखने की शुरुआत की तो कुछ ही समय में वह अपने इकिगाई को पूरा करने में सफल हो जाएगी। एक बार आपने शुरुआत की और छोटे छोटे कदम उठाए तो अपने आप ही आपकी चिंता नष्ट हो जाएगी, फिर आपको फ्लो की अवस्था प्राप्त होगी, फिर अपने आप फ्लो में आप उस कार्य को पूरा करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविष्य के विचारों में खोने की जरूरत ही नहीं होती। उपाय 3, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की प्रगत तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है आधुनिक तकनीक की वजह से हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त हम साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देखते रहते हैं, उतने में ही चैटिंग का मैसेज पॉपअप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देता है और हम उसे खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे वह काम तो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं और फिर आखिरी निवाले तक उन्हें यही पता नहीं चलता कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं। लोगों को यह गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज़्यादा कार्यक्षम नहीं होते हैं। असल में उनकी कार्यक्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते रहते हैं। दुर्भाग्यवश हम कंप्यूटर की तरह इस काम में हुए तुरंत बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोई एक काम भी ठीक से नहीं होता, हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं। साथ ही हमारी ऊर्जा और समय दोनों व्यर्थ होते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। सिसिक्स जैन मिहाली ऐसा मानते हैं कि किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए दो बातों का होना जरूरी है, एक काम के लिए अच्छा माहौल और दूसरा हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। टेक्नोलॉजी ने वाकई बड़ी क्रांति की है। जब तक वह हमारे नियंत्रण में है तब तक वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन जब हम उसके नियंत्रण में जाते हैं तो वह तकलीफदेह बन जाती है। मान लो आपको किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, आप पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर के सामने जानकारी लेने बैठ जाते हो, लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण ना हो तो आप अपने विषय की जानकारी छोड़कर और कई सारी चीजों की जानकारी में खो जाते हैं। वेबसाइट्स के जंजाल में फंसकर व्यर्थ समय गंवाते हो, यानी जो टेक्नोलॉजी आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली थी वही आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जाती है। आज शास्त्र ने यह साबित किया है कि यदि हम अपना ध्यान हमेशा एक काम से दूसरे काम में और दूसरे से तीसरे काम में लगाते रहते हैं तो हमारा समय व्यर्थ जाता है, गलतियां होती हैं और हम जो कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्लिनफोर्ड इफ़ार नास ने अपने किए हुए परीक्षण के बाद कहा कि आज की पीढ़ी मल्टीटास्किंग की बीमारी से ग्रस्त है। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों के साथ एक प्रयोग किया। वे विद्यार्थी एक साथ कितने काम करते हैं उसके आधार पर उनको गुटों में विभाजित किया। जिन विद्यार्थियों को मल्टीटास्किंग की आदत थी वे एक साथ कम से कम 4 काम करते थे, जिसमें लिखना, किताब पढ़ना, गाना सुनना और स्मार्टफोन पर मैसेज का जवाब देना जैसे काम शामिल थे। ये सभी काम इस आधार पर उन्होंने विद्यार्थियों के कुल 4 गुट बनाए और उनको एक प्रयोग करने के लिए कहा। उनकी स्क्रीन पर कुछ लाल और कुछ नीले तीर दिखाए गए और यह गिनने को कहा गया कि उनकी संख्या कितनी है। पहले सभी बच्चों ने सही जवाब दिए, उनको वैसा करते वक्त कोई तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लाल तीरों की संख्या को उतना ही रखकर नीले तीरों की संख्या बढ़ाई गई तो जिन बच्चों को मल्टीटास्किंग की आदत थी उनको तीर गिनने में तकलीफ हुई। हालांकि लाल तीरों की संख्या उतनी ही थी, सिर्फ उनकी जगह बदल दी गई थी। इसकी वजह यही थी कि उन्हें मुख्य कामों के साथ बाकी कामों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आदत थी।
उनके मस्तिष्क को वैसा ही प्रशिक्षित किया गया था। इसीलिए जब नीले तीरों की संख्या बढ़ाई गई तो उनका मन विचलित हो गया। इस प्रयोग में लाल तीरों को नजरअंदाज करके नीले तीरों को गिनने का काम था, लेकिन हर काम की ओर ध्यान देने की आदत की वजह से वह कठिन लगने लगा। इसमें एक ही कार्य मुख्य था, लेकिन वह कौन सा है और कौन सा नहीं, इस पर वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उनकी मल्टीटास्किंग की आदत ने उनका नुकसान हो गया। एक अन्य सर्वे में किए गए परीक्षण में यह पता चला कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से कार्य क्षमता 60% और IQ 10 पॉइंट कम हो जाता है। स्वीडिश काउंसलिंग फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल रिसर्च नामक संस्था ने एक परीक्षण किया जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल की उम्र के युवाओं का अध्ययन किया। इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफोन के आदि हैं वे काफ़ी कम नींद लेते हैं, उनके दोस्त भी कम होते हैं और उनमें जल्दी नाराजगी आने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे और फ्लो के बीच में आने वाली इस बीमारी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होने की आदत कैसे लगा सकते हैं? आगे कुछ कदम दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम ज्यादा एकाग्रता के साथ इकिगाई की मदद से फ्लो पाने की ओर यात्रा कर सकते हैं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन, टीवी, मोबाइल इत्यादि की ओर ना देखें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करते वक्त अपना मोबाइल बंद रखें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर पूर्ण रूप से मोबाइल को बंद रखना संभव नहीं है तो अनचाहे मैसेज, नोटिफिकेशन टालने वाली सुविधा का इस्तेमाल करें। इससे आप इन चीजों से बच सकेंगे और जरूरत के वक्त आपके रिश्तेदार आपसे संपर्क भी कर सकेंगे। हफ्ते में एक दिन, खास करके शनिवार और रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास करने का पालन करें। ऐसे कैफे में जाएं जहां वाईफाई की सुविधा ना हो। दिन भर में एक या दो बार ही ईमेल के जवाब दें। यह समय पहले से ही तय करें और उसी वक्त वह काम करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। खुद के लिए पोमोडोरो किचन टाइमर लेकर आएं। एक समय तय करें और उतने समय तक कोई भी एक काम निरंतरता से करें। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आप 24 मिनट काम करें तो 5 मिनट आराम करें, 50 मिनट काम करें तो 10 मिनट आराम करने का तय कर सकते हैं। आप कितना समय आराम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप जो तय करते हैं उसका पालन करें। अपने पसंदीदा काम से शुरुआत करें। जब ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आदत डालें। माइंडफुलनेस या ऐसी ही किसी और ध्यान पद्धति की मदद लें। चलना, तैरना जैसे कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसी जगह पर काम करें जहां मन ज़्यादा भटकने की संभावना ना हो। अगर घर में ऐसी कोई शांत जगह ना हो तो लाइब्रेरी या कैफे की तलाश करें। जब तक कोई आदर्श जगह नहीं मिल जाती तब तक खोज जारी रखें। काम के हिसाब से उसे अलग अलग गुटों में विभाजित करें। हर काम का समय और जगह पहले से ही तय करें। मान लो कि आप किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखने जा रहे हो तो सुबह घर में उसके नोट्स बनाएं, दोपहर को लाइब्रेरी में आर्टिकल लिखें और शाम को उसके संपादन का काम करें। बिल भरना, फोन करना और ईमेल जैसे काम करने के लिए समय निश्चित करें और उसी समय पर वह काम पूर्ण करें। जापान में फ्लो। टाकुमिस इंजीनियर्स बुद्धिमान और ओटाकुस। टाकुमिस यानी कलाकार, इंजीनियर शोधकर्ता और ओटाकुस एनिम और मंगा के चाहते में कौन सी समानता है? इन सभी को इकिगाई के माध्यम से फ्लो में रहने का महत्व पता चला है। एक ऐसी मान्यता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा कष्ट करते हैं। वे अपने कार्य को समर्पित होकर खुद को उसमें झोंक देते हैं। हालांकि जापान के लोग कहते हैं कि हम ज्यादा कष्ट नहीं करते, लेकिन सामने वाले को वैसा लगता जरूर है। वे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन काम करते वक्त उनकी लगन और समस्या को छुड़ाते वक्त वे जिस प्रकार से उसमें दिल और जान लगा देते हैं वह कला असाधारण है। जापानी भाषा सीखते वक्त जो पहला शब्द सिखाया जाता है वह है गंबारू। इसका अर्थ है कि किसी काम को पूर्ण करते वक्त निरंतरता से काम करते रहना। जापान के लोग छोटे से छोटे काम में भी तन मन लगाकर काम करते हैं। वे अपना पूरा होश खोकर काम में अपने आप को झोंक देते हैं। रिटायर होने के बाद भी खेत में जाकर धान की देखभाल करने वाले लोग हों या छुट्टी के दिन में कोबिनिस जैसी चीजें बेचने वाले अथवा दुकानों में काम करने वाले कॉलेज के विद्यार्थी हों, सभी के अंदर काम के प्रति एक अजीब सी आस्था आपको दिखाई देगी। आप अगर नाहा, कानाझावा या क्योटो में से किसी हस्तकला की दुकान में गए तो आपको महसूस होगा कि जापान में हस्तकला का खजाना है। एक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान ने असाधारण विकास किया है तो वहीं दूसरी ओर हस्तकला और अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखा है। टाकुमी की कला। टोयोटा में कुछ ऐसे कारीगर हैं जिनके हाथों में जादू है। वे अपने हाथों से कुछ चीजें बनाते हैं।
वे लोग इतने कुशल होते हैं कि उनका काम असाधारण होता है और उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। कुछ विशेष लोग कुछ कामों में माहिर हैं और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी उनकी जगह नहीं ले सकती। टर्नटेबल की सुई की एक ऐसी चीज है जो आज भी सिर्फ जापान में ही बनाई जाती है। आज भी इस सुई को बनाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल होता है उनमें लगने वाली कुशलता से काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। वे अपनी कुशलता अपनी आगे की पीढ़ी को सिखा रहे हैं। हम जब कुमानो नामक एक छोटे से गांव में गए तो वहां हमारी मुलाकात टाकुमी से हुई। हम मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश बनाने वाली एक बड़ी ब्रांड के लिए शूटिंग करने वहां गए थे। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सामने के बोर्ड पर हाथों में ब्रश लेकर खरगोश जैसा एक बड़ा जानवर हमारा स्वागत करते हुए दिखाई दिया। काफी सारे मंदिर, बाग बगीचे और कई सारे आकर्षणों से वह परिसर भरा हुआ था। एक कतार में बैठकर काम कर रहे कई सारे लोगों के हमने लगभग एक घंटा फोटो खींचे। सब अपने तय काम को पूरा कर रहे थे। कोई ब्रश के डंडे को रंग दे रहे थे, कोई तैयार ब्रश को गाड़ी में भर रहे थे। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि ब्रश के बाल लगाने का काम कोई भी नहीं कर रहा था। हमने इसके बारे में और जानकारी ली। कई सारे लोगों से पूछताछ के और विनती करने के बाद एक कंपनी के अध्यक्ष ने हमें यह दिखाने की तैयारी दिखाई कि वह काम कैसे चलता है। उन्होंने हमें फैक्ट्री के बाहर बुलाया और कार में बैठने को कहा। कुछ समय बाद हमारी गाड़ी एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकी और हम सीढ़ियां चढ़कर उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। हम जैसे ही उस छोटे से घर के अंदर गए तो हमने देखा कि उस कमरे में काफी खिड़कियां थी जिनमें से काफी कुदरती रोशनी अंदर आ रही थी। उस कमरे के बीच में एक महिला एक ऐसा मास्क लगाकर बैठी हुई थी कि हम सिर्फ उसकी आंखें देख सकते थे। हमने गौर से देखा तो वह महिला ब्रश के लिए एक एक बाल जुटाने में लगी हुई थी। कैंची, कंघी और ऐसे ही कुछ औजारों की मदद से उसका काम चल रहा था। उन बालों की गुणवत्ता के आधार पर वह उन्हें छोटा छाट रही थी। वह अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे हमारे आने की कोई खबर ही नहीं हुई। हमने जब गौर से देखा तो पाया कि वह इतनी गति से काम कर रही थी कि वह क्या कर रही है यह समझना बड़ा मुश्किल था। कंपनी के अध्यक्ष ने उसे हमारे आने के बारे में बताया और यह भी बताया कि हम उसका फोटो लेने आए हैं। तब उसकी आंखों में खुशी की भाव हमें तुरंत दिखाई दिए। भले ही हमें उसका चेहरा दिखाई न दिया हो लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी यह बात हमें उसकी आंखों से पता चली। उसकी आवाज में भी एक जोश था। वह अपने काम के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बता रही थी। उसके हाथों की हलचल कैमरे में कैद करने के लिए हमें काफी फास्ट शटर का इस्तेमाल करना पड़ा। उसकी हलचल और औजारों का इस्तेमाल काफी मनमोहक था। इतनी सारी चीजों में से वह काफी अच्छे तरीके से बालों को चुन रही थी। कंपनी के अध्यक्ष ने बताया कि हालांकि हमने इसे इस छोटे से कमरे में छुपा कर रखा है लेकिन असल में यह कंपनी की महत्वपूर्ण कारीगर है। इस कंपनी के हर ब्रश का हर बाल इसी के हाथों से होकर जाता है। स्टीव जॉब्स की जापान को भेंट। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स जापान के बड़े चहेते थे। उन्होंने सन 1980 में सोनी कंपनी को एक भेंट दी थी। उन्होंने जब एप्पल कंपनी की स्थापना की तो सोनी कंपनी में इस्तेमाल की जाने वाली कई कार्य प्रणालियों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ जापान की सादगी और क्योटो में पोर्सलेन नाम के सिरेमिक जैसे पदार्थ से बनाए गए बर्तन उन्हें काफी पसंद आए थे। युकिवो शाकुनागा इस तोयामा में रहने वाले कलाकार के वह बड़े चहेते थे। इस कलाकार को इतवू सेतोया के नामक वह कला आती थी जिससे काफी कम लोग अवगत थे। जॉब्स जब क्योटा में थे तो उन्हें शाकुनागा के प्रदर्शन के बारे में पता चला। उनको यकीन हुआ कि पोर्सलेन के बर्तनों के बारे में उन्हें जरूर ही कई सारी महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। वहां से उन्होंने कप, डिश, गुलदस्ते और ताट खरीद लिए। एक हफ्ते में वह 3 बार उस प्रदर्शन में आए थे। जॉब्स इसी प्रेरणा की खोज में कई बार जापान आए थे। वह शाकुनागा से मिले। उनके बर्तनों के और खास करके उन्हें बनाने की प्रक्रिया के बारे में कई सारे सवाल पूछने थे। वह कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में जानने की भी उनके मन में चाह थी। शाकुनागा ने उन्हें बताया कि वह सफेद रंग के पोर्सलेन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उसे पहाड़ों से ढूंढ कर लाते हैं। इस प्रकार से मटेरियल की खोज कर लाने और उसे बर्तन बनाने वाले वह एकमात्र कलाकार थे। यह सुनकर जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पहाड़ को देखने की इच्छा जाहिर की जिस पहाड़ से शाकुनागा मटेरियल लाते थे। जॉब्स को यह सुनकर और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वह जिस पहाड़ से यह सामान लाते थे वह पहाड़ नजदीक नहीं बल्कि काफी दूर था। उन्हें उस पहाड़ तक जाने के लिए रेल से
चार घंटे की यात्रा करनी पड़ती। जॉब्स की मृत्यु के बाद शाकुनागा से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया, जिस इंसान ने मोबाइल बनाया उन्होंने मेरे काम को सराहा, इसका मुझे अभिमान है। उन्होंने यह भी बताया कि जॉब्स ने उनके पास से 12 कपों का एक सेट खरीदा था। उन्हें पसंद आए ऐसे कप बनाने के लिए शाकुनागा ने 150 अलग अलग प्रकार के कप बनाए। इनमें से जॉब्स को जो सबसे ज्यादा अच्छे लगे उस प्रकार के 12 कपों का एक सेट बनाकर शाकुनागा ने जॉब्स को भेजा। जापान में आकर वापस जाने के बाद जॉब्स जापान की कारीगरी, इंजीनियरिंग, खासकर डसोनी का दार्शनिक और खाद्य संस्कृति के दीवाने हो गए। आधुनिक सादगी। सोचने वाली बात यह है कि जापान के कलाकार, इंजीनियर, जैन दार्शनिक और खाद्य संस्कृति में कौन सी चीज एक समान है? इसका जवाब है सादगी और लक्ष्य। यह सादगी आलस की वजह से नहीं आई है, इसे तो आधुनिकता से आई हुई सादगी कह सकते हैं। हर कोई अपने इकिगाई के अनुसार काम को तन मन एकाग्र करके उस चीज को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। सिसिक्स जैन मिहाली के हिसाब से अगर हमें हमेशा फ्लो में रहना है तो कोई ना कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने होनी जरूरी है। जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी नामक फिल्म में टाकुमी का और एक उदाहरण दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया उदाहरण किचन से संबंधित है। इसमें जो मुख्य किरदार है जीरो, उसका टोक्यो में झिंगा सबवे स्टेशन के पास एक छोटा सा सुशी रेस्टोरेंट दिखाया गया है। उस रेस्टोरेंट में जीरो और उनका बेटा पिछले 80 सालों से सुशी पदाते थे। दोनों रोज तत्सुकीजी बाजार जाते थे और अच्छी गुणवत्ता की मछलियां लाते थे। उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जीरो के पास सीखने वाला एक विद्यार्थी नामागो पतला और थोड़ा सा मीठा ऑमलेट बनाना सीख रहा होता है। वह लाख कोशिश करता है लेकिन उसके द्वारा बनाए गए टामागो को जीरो की प्रशंसा नहीं मिलती है, लेकिन वह जी तोड़ मेहनत करता है और एक दिन जीरो की प्रशंसा पाता ही है। वह विद्यार्थी कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ देता? रोज ऑमलेट बनाने से वह उबता नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि सुशी बनाना उसका एकीगाई होता है। जीरो और उनका लड़का दोनों खाना बनाने में कुशल होते हैं। खाना बनाते वक्त उन्हें कभी भी ऊब नहीं होती थी। सच बात तो यह थी कि वे फ्लो की अवस्था में जाते थे और कार्यमग्न होकर काम करते थे। वे अपने किचन में बहुत खुशी से काम करते थे। इसकी वजह असली यह थी कि वह उनका एकीगाई था। उनको काम करते वक्त इतनी खुशी होती थी कि वे समय से परे चले जाते थे। इस पिता पुत्र के अच्छे संबंधों के पीछे की एक और वजह थी उनके काम की जगह और वहाँ का शांत माहौल, जिसकी वजह से वे एकाग्रता से काम कर पाते थे। हालांकि उनको उनके काम के लिए कई सारे पुरस्कार मिले, लोगों ने उनके काम की सराहना की और मिशेलिन की ओर से उन्हें 3 तारांकित मानांकन भी मिला, फिर भी उन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में या और शाखाएं खोलने के बारे में कभी नहीं सोचा। वे अपने छोटे से होटल में एक साथ 10 लोगों के लिए खाना बनाते रहे। जीरो के परिवार ने कभी भी ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा शांत, आनंददायक और जोशपूर्ण माहौल में काम करने पर ज्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से वे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुशी बनाते रहे और फ्लो में रहे। जीरो भी युकियो शाकुनागा की तरह एक ही अच्छे माल से शुरुआत करते थे। रोज सुबह वह खुद बाजार जाते और जिस प्रकार शाकुनागा पहाड़ से मटेरियल तलाश कर लाते थे, उसी प्रकार सबसे अच्छी मछलियां ढूंढ कर लाते थे। जब वह अपने काम की शुरुआत करते थे तो फ्लो की अवस्था में जाते थे। इस प्रकार से काम के साथ एक रूप होने की अवस्था को जापान में काफी महत्व दिया जाता है। शिंटोइज्म ऐसा मानता है कि पेड़, जंगल और वस्तुओं में कामी मतलब ईश्वर का अंश होता है। हर इंसान की, फिर चाहे वो कलाकार हो, इंजीनियर हो या दार्शनिक हो, यही जिम्मेदारी होती है कि वह उस चैतन्य के साथ मेलजोल करके उसमें जान डाले। इसी वजह से कलाकार कला के साथ एक रूप हो जाता है। इसी की मदद से वह कार्य मग्नता की अवस्था में जाता है। लोहे के साथ काम करने वाले लोहे के अंदर का, सिरेमिक के बर्तन बनाने वाले को मिट्टी के अंदर का चैतन्य पहचान कर उसके साथ अपने आप को एक रूप करना चाहिए। जापान के लोग कुदरत और टेक्नोलॉजी को संयुक्त करने में माहिर हैं। वे कभी भी कुदरत और तकनीक का युद्ध नहीं होने देते, बल्कि दोनों का एक साथ फायदा लेने में माहिर हैं। गिबली की शुद्धता। आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शिंटो की कुदरत के साथ एक रूप होने की क्षमता कम हो रही है। इसके सबसे बड़े और साहसी आलोचक हैं हायाओ मियाज़ाकी, जिन्होंने स्टूडियो गिबली के माध्यम से कई सारी एनिमेटेड फिल्म्स बनाई हैं। उनको उनका एकीगाई स्पष्ट था।
उनकी लगभग हर फिल्म में इंसान, तंत्रज्ञान, असंभव कल्पनाएं और प्रकृति देखने को मिलती है। शुरुआत में भले ही सभी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में सभी इकट्ठा होते हैं। स्पिरिटेड अवे नामक फिल्म में उन्होंने एक ऐसे स्पिरिट की कल्पना दिखाई है जो कचरे के माध्यम से नदी के अंदर के प्रदूषण पर रोशनी डालती है। मियाज़ाकी की फिल्मों की विशेषता यही होती है कि जंगल में व्यक्ति रेखाएं होती हैं, जो पेड़ हैं उनकी भी भावनाएं होती हैं, रोबिट के पंछियों के साथ दोस्ती होती है। राष्ट्रीय संपत्ति माने गए मियाज़ाकी की पूर्ण रूप से अपनी कला में डूबे रहते हैं। वह 1990 में बनाए गए सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं और आज भी अपनी टीम के लोगों के हाथों से चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी फिल्मों का चित्रीकरण कागज और पेन लेकर किया जाता है। किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के इस्तेमाल के बिना काम करने वाला गिबली स्टूडियो अपने आप में एक विशेषता है और पूरी तरह पारंपरिक तरीके से चलता है। इसका पूरा श्रेय दिग्दर्शक मियाज़ाकी को जाता है। जिन्होंने गिबली स्टूडियो देखा है उन्हें वहाँ रविवार का दृश्य पता होगा। आप रविवार को भी उस स्टूडियो में जाएं तो आपको किसी कोने में साधारण से कपड़े पहना हुआ एक इंसान बैठा वह काम करते हुए दिखाई देगा। वह अपने काम में व्यस्त रहता है और बिना आपकी ओर देखे ओहायो हेलो कहकर आपका स्वागत करता है। मियाज़ाकी अपने काम को इतना पसंद करते हैं कि रविवार के दिन वह अकेले ही स्टूडियो में काम करते रहते हैं और अपना दिल फ्लो में बिताते हैं। वह पूरा समय अपने इकिगाई में बिताते हैं। जो लोग वहां पर आते हैं वे कभी भी मियाज़ाकी के काम में व्यस्तता नहीं लाते। 2013 में मियाज़ाकी ने रिटायर होने की घोषणा की। उनकी याद में NHK टेलीविजन ने एक जानकारीपूर्ण फिल्म बनाई थी जिसमें उनके रिटायर होने के आखिरी दिनों के कुछ लम्हे दिखाए गए थे। उसमें दिखाया गया कि कई सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, कुछ घूम फिर रहे हैं, लेकिन मियाज़ाकी एक कोने में अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि 3 दिसंबर को भी वह स्टूडियो खोलकर काम कर रहे हैं। मियाज़ाकी के काम करने की अपनी इस चाहत को रोक नहीं सकते। जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट ली उसके दूसरे ही दिन वह स्टूडियो में आए और एक कोने में बैठकर काम करना शुरू कर दिया। बाकी लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे हैं, उनके चेहरे देखने जैसे हो गए थे। उस दिन वह एक साल बाद उन्होंने घोषणा की कि वह फिल्म बनाना बंद कर देंगे लेकिन जीवन के आखिरी पल तक चित्र बनाते रहेंगे। कोई अपने काम के साथ इतना जुड़ा हो और उसे अपने काम से ही प्रेरणा मिलती हो तो वह कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। एकांतवास, ऐसे लोग सिर्फ जापान में ही हैं ऐसा कहना सही नहीं होगा। ऐसे कई सारे शास्त्रज्ञ, कलाकार इत्यादि हुए हैं जो जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे हैं। आइंस्टाइन ने जब आखिरी सांस ली तो उससे कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक सूत्र लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि विश्व के सभी फोर्सेस को इकट्ठा कैसे करना है। वह आखिरी पल तक वह काम करते रहे जो उन्हें सर्वाधिक आनंद देता था। वह कहते थे, अगर मैं शास्त्रज्ञ ना बना होता तो संगीतकार बनता। जब भी वह भौतिक शास्त्र या गणित पर काम नहीं कर रहे होते थे तब वह वायलिन बजाते थे। सूत्रों की खोज करना और संगीत का आनंद लेना, यही दो उनके इकिगाए थे। इन दोनों कामों में उन्हें असाधारण आनंद मिलता था। कई बार बाकी लोग इन लोगों को लोगों में न घुलने वाले या अकेले रहने वाले लोग मानते होंगे, लेकिन लोगों से मिलने में समय बिताने की बजाय उन्हें अपने पसंदीदा कामों में समय देना ज़्यादा पसंद आता था। ये ऐसे लोग हैं जो फ्लो में रहकर अपने जीवन को असाधारण इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल है कादंबरीकार हारुकी मुराकामी। वे काफ़ी कम मित्रों से मिलते थे और लोगों को 2-4 साल में एक बार ही मिलते थे। अगर हमें हमेशा फ्लो में रहना हो और इकिगाई हासिल करना हो तो हमारे आजू बाजू का माहौल शांत, सुरक्षित और समस्याओं से परे होना चाहिए। यह बात वह काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे। माइक्रो फ्लो, रोज के कामों में मिलने वाला आनंद। किसी कलाकारी के व्यक्त फ्लो को पाना मुमकिन है, लेकिन जब हमें कपड़े धोने हों, फर्श साफ करना हो या कागज पत्रों की तैयारी करनी हो तब क्या रोजमर्रा के ये काम आनंददायी हो सकते हैं? शिंजुकू के सबवे स्टेशन पर स्थित एक सुपरमार्केट में लिफ्टमैन को नौकरी पर रखा जाता है। वैसे देखा जाए तो वहाँ की लिफ्ट्स तो सीधी सीधी होती हैं और ग्राहक सहजता से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी वहाँ के मालिकों को ऐसा लगता है कि ग्राहकों के लिए दरवाज़ा खोलने और बंद करने वाला व्यक्ति कोई होना चाहिए।
अगर आपने जानकारी ली हो तो आपको पता चलेगा कि सन 2004 से एक इंसान वहां पर काम कर रहा है। वह इंसान हमेशा जोश के साथ और खुशी से अपना काम करता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना उबाऊ काम कोई इंसान इतनी खुशी के साथ कैसे कर सकता है? वह काम करते वक्त वह उसे ऊब नहीं होती? अगर आप उसके काम का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ बटन नहीं दबाता, वह तो काम की पूरी श्रृंखला को पूरा करता है। जब कोई इंसान लिफ्ट के पास आता है तो वह हल्की और मीठी आवाज में और थोड़ा सा झुककर उसका स्वागत करता है, फिर वह उसे अंदर बुलाता है और काफी अनोखे अंदाज में लिफ्ट का बटन दबाता है। सिसिक जैन मिहाली इसे ही माइक्रोफ्लो कहते हैं। हम कई बार किसी क्लास में, सभा में या कार्यक्रम में ऊब जाते हैं और मनोरंजन का कोई साधन खोजते रहते हैं। हम दीवार को कलर करते वक्त सीटी बजाने लगते हैं। जब तक हमें किसी काम में चुनौती महसूस नहीं होती तब तक हम उस काम में खो नहीं पाते। छोटे छोटे कामों में खोकर उनमें आनंद प्राप्त करना ही माइक्रोफ्लो प्राप्त करने की अनोखी कला है। इसकी वजह से हम अपने रोज के कामों को भी खुशी से कर सकते हैं। बिल गेट्स भी रोज शाम को बर्तन मांजते हैं। वे कहते हैं कि शांत होने और मन की शुद्धि में उन्हें इसका फायदा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बर्तन मांजना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज़्यादा अच्छे बर्तन मांजे। उन्होंने बर्तन धोने के लिए एक कार्य प्रणाली भी बनाई है, जैसे पहले थाली धोएंगे, फिर चम्मच और फिर बाकी की चीज़ें। यह उनके माइक्रोफ्लो की पद्धति है। महान भौतिक शास्त्रज्ञ रिचर्ड फेयरमैन भी रोज के कामों में आनंद लेते थे। सुपर कंप्यूटर बनाने वाले डब्ल्यू डेनियल हिलिस बताते हैं कि फेयरमैन को काम करने पर रखने के उद्देश्य से वह जब पहली बार उनसे मिले तो फेयरमैन ने पूछा कि उन्हें कौन सा काम करना है। असल में उन्हें काम देने वाले लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी। तब उन्होंने उन्हें गणित के कुछ सूत्र सिद्ध करने के लिए दिए, लेकिन फेयरमैन ने कहा कि यह सही काम नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा काम दें जो वाकई फायदेमंद हो। तब हिलिस ने फेयरमैन को बाजू की दुकान में जाकर ऑफिस के लिए सामान लाने को कहा। यह काम उन्होंने खुशी से और हंसते हंसते किया। जब फेयरमैन के पास कोई भी काम नहीं होता था तो वह माइक्रोफ्लो में चले जाते थे। कभी कभी वह ऑफिस की दीवारों को रंगने का काम भी करते थे। कुछ हफ्ते के बाद जब उनके ऑफिस में कुछ निवेशक आए तो उन्होंने ऑफिस की दीवारें देखकर कहा कि आपके ऑफिस की दीवारों को रंगने वाले इंसान को तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। ध्यान मार्ग से तुरंत छुट्टी। प्रशिक्षण के माध्यम से हम फ्लो की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। माना कि ध्यान की कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है, मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। मूलभूत प्रक्रिया में सीधे बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया होती है। यह कोई भी कर सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको बदलाव महसूस होगा। आपके अंदर चलने वाली सांस की मदद से आप अपने अंदर चलने वाले विचारों के भूचाल को शांत कर सकते हैं और उनकी ओर अलगाव के नजरिए से देख सकते हैं। अगर हमें फ्लो में पहुंचना है तो ध्यान मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा चलने वाले नोटिफिकेशंस और स्मार्टफोन के संदेशों का यह सटीक इलाज है। ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों से एक गलती होती है, वे नतीजों के लिए उतावले होते हैं। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ध्यान की यात्रा का आनंद लेना। मन विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का समुन्दर है। इस सभी से मिलकर एक तूफान तैयार होता है। ध्यान के माध्यम से हम कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इस तूफान को शांत करके शांति का अनुभव कर पाते हैं और जीवन में नई स्पष्टता ला सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी विचार आए उसका तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात हम ध्यान के माध्यम से सीख सकते हैं। किसी को तकलीफ देने, मारने या झगड़ा करने जैसा कोई नकारात्मक विचार किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इस विचार को हावी ना होने देते हुए यह तो सिर्फ एक विचार है, इस प्रकार का लेबल लगाकर उससे बचा जा सकता है। दिन भर में आने वाले 60,000 विचारों में से यह भी एक विचार है। इस तरीके से उस विचार को देखकर उसे हावी होने से रोका जा सकता है। ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा लहरें, तरंगे उत्पन्न होती हैं। अनुभवी लोगों में ये लहरें जल्दी उत्पन्न होती हैं, जबकि नए लोगों को इस अवस्था में पहुंचने के लिए आधा घंटा लग सकता है। ऐसे देखा जाए तो ध्यान के बिना भी हम इन तरंगों का लाभ ले सकते हैं। नींद में जाने से कुछ पल पहले और गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय हम इन तरंगों का आनंद ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने साथ स्पा लेकर ही घूमते रहते हैं,
लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह हमें पता होता नहीं है। थोड़े से प्रयास से हम इस कला को सीख सकते हैं। इंसान एक धार्मिक जीव है, हमारा जीवन धर्मों पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का पालन करना इंसान का मूल स्वभाव है। हालांकि आधुनिक जगत में लोग धर्म को छोड़कर भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के पीछे लग गए हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि इंसान शिकार करना, खाना पकाना, खेती, शोध कार्य और परिवार जैसी चीजों में व्यस्त रहता था, इसीलिए व्यस्त रहना उसका स्वभाव बन गया है। पहले के जमाने में लोगों की दिनचर्या इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन आज के इस प्रगत जगत में लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जापान में आज इस आधुनिक युग में भी दिनचर्या और धर्म का सही मात्रा में मेलजोल रखा गया है। जापान में विशेष रूप से कन्फ्यूजनिज्म, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म धर्म माने जाते हैं। इनमें नियमों से भी ज़्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। जापान में काम करते वक्त आप कौन सा काम करते हैं, इससे भी ज़्यादा महत्व इस बात को दिया जाता है कि आप वह काम कैसे करते हैं। ऐसा करना कंपनियों के लिए अच्छा है या नहीं, यह इस किताब का विषय नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि किसी भी कंपनी में बॉस के तय किए हुए अनिश्चित लक्ष्य तनावपूर्ण माहौल में पूरे करने से अच्छा है धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर फ्लो को ढूंढना और उसमें रहकर काम करना। धार्मिक रिवाज हमें एक सहज और आसान सा रास्ता दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लो में जाने में मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना हमें कठिन या असंभव लग सकता है, लेकिन रीति रिवाजों में हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता है और उस रास्ते पर कैसे चलना है इसका प्रशिक्षण भी मिलता है। इसीलिए जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उस लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित करें और उसमें से एक एक टुकड़े पर हमला बोलें। रोज के कार्यों में आनंद लेने की कला प्राप्त करें, इसकी वजह से आपको फ्लो में जाने में सहायता होगी। नतीजे की चिंता करना छोड़ दें, अपने आप सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आनंद स्थिति में होना चाहिए। हमने क्या हासिल किया इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है काम करते वक्त आनंद लेना। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म नियमों से बड़ा है। जो लोग ज्यादा चीजें हासिल करते हैं वे ज्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज्यादा समय फ्लो में होते हैं वे ज्यादा आनंदित होते हैं। इकिगाई ढूंढने के लिए फ्लो का इस्तेमाल। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि वह कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप फ्लो में जाते हो। उन सभी कामों को कागज पर लिख लें। अब यह खोजें कि इन सभी कामों में समान धागा क्या है। इन सभी कामों में ऐसा क्या समान है कि इन्हें करते वक्त आप फ्लो के नजदीक पहुंच जाते हैं। ये सभी काम अकेले करने जैसे हैं या टीम में? आपको शारीरिक श्रम करने वाले काम में ज्यादा मजा आता है या सोचने वाले काम करने में? हो सकता है कि इन सवालों के जवाबों में आपको आपका इकिगाई मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी खोज जारी रखें और ऐसा काम खोजें जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द फ्लो में जाते हों। इसी के साथ आप ऐसे नए नए कामों की भी खोज करें जो आपको फ्लो की ओर लेकर जाते हों। आपको जिन कामों के प्रति उत्सुकता है उन्हें करना शुरू करें। अगर आपको फोटोग्राफी के वक्त फ्लो का अनुभव मिलता है तो रंग काम या इसी प्रकार का कोई और काम भी करके देखें, हो सकता है आपको उसमें भी फ्लो का अनुभव हो। फ्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितनी ज्यादा बार अनुभव करोगे उतना आप उसके नजदीक पहुंचोगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और उतना ही आप अपने इकिगाई के नजदीक पहुंचोगे। दीर्घायु मास्टर्स, विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही जानना नहीं था कि आनंददायी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए कौन से पहलू जरूरी हैं, बल्कि जो लोग लंबी आयु के हैं वे इसके बारे में क्या कहते हैं यह जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण। ओकिनावा में हमने जो भेंटवार्ता की वह बिल्कुल असाधारण। इसके साथ ही हम विश्व भर में जो लंबी आयु के लोग हैं उनके जीवन के तत्व ज्ञान को भी समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 सुपर सेंटेनारियन सालों से ज़्यादा समय से जिंदा हैं। सुपर सेंटेनारियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संपादक नोरिस मैकविल्टर ने किया था। सन 1990 में विलियम स्ट्राउस और नील हाउ ने सुपर सेंटेनारियन शब्द का और ज़्यादा प्रचार किया। आज की तारीख में विश्व भर में तकरीबन 350 से 500 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से सिर्फ 74 लोगों की उम्र के प्रमाण उपलब्ध हैं। ये लोग भले ही सुपर हीरो ना हों
लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार से विश्व में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है, उससे यकीनन सुपर सेंटेनारियंस की संख्या बढ़ने की संभावना है। आइए अब यह समझते हैं कि इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। मिसाओ ओकावा 117। खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। जेरेंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकावा विश्व की सबसे ज़्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब अस्पताल में उनकी मौत हुई, उस वक्त उनकी उम्र 117 वर्ष और 27 दिन थी। सन 1898 में एक टेक्सटाइल व्यापारी के घर में मिसाओ का जन्म हुआ। उसके बाद 3 सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने जीवन में कई सारी चीज़ें देखी। 110 की उम्र तक वह अकेली रहती थी और किसी की मदद के बिना अपने सभी काम खुद करती थी। जब लोगों ने उनके रोज़ के कामों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, सुशी पद्धति से खाना बनाना और नींद लेना। उनके इस जवाब में हम और एक चीज़ जोड़ सकते हैं, जीने की उनकी इच्छा शक्ति। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं भी वही खोज रही हूँ। जापान लंबी आयु वाले लोगों की भूमि है और यह बात साबित हो गई है। 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाले साकारी मोइम की जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, लेकिन उस वक्त भी उनसे ज्यादा उम्र वाली 54 महिलाएं जीवित थी। मारिया कपोविला 116। कभी भी मांसाहार नहीं किया। सन 1889 में एक्वाडोर में जन्मी मारिया कपोविला का नाम गिनीज बुक के विश्व की सबसे उम्र दराज महिला के तौर पर दर्ज किया है। सन 2006 में उनकी निमोनिया से मौत हो गई। उनके 3 बच्चे, 12 पोते और 20 परपोते थे। 107 साल की उम्र में दिए हुए अपने आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी यादों और विचारों के बारे में बताया, मैं खुश हूँ और इतनी लंबी आयु देने के लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतने साल जिंदा रहूँगी। मेरे पति एंटोनियो कपोविला जहाज पर कप्तान थे और जब उनकी मौत हुई तो वह 84 साल के थे। तब मेरे साथ 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। उसके बाद उनका संस्कार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और परपोते भी हैं। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपनेपन से रहते थे। हम नाचते थे, खेलते थे, उसमें भी एक अनोखा अनुशासन होता था। मुझे मारिया लुइस अलार्कान का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद हैं। आज भी मुझे कई प्रार्थनाएँ याद हैं और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ। स्कूल के वक्त में जो हाथों से चीज़ें बनाती थी वह काम मैं आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को याद करते करते वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की ऊर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई साल जवान हो गई हों। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी लंबी आयु का यही राज है। जीने कालमेंट 122। सब अच्छा चल रहा है। सन 1875 में फ्रांस के अर्लेस में जन्मी जीने कालमेंट 4 अगस्त 1995 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी। एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मैथुन सलाहा से 161 साल जिए हुए कुलपिता के तौर पर जाने जाते हैं स्पर्धा की है। जीने ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही। 100 की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। 110 साल तक वह अकेले ही रहती थी। घर में छोटी सी आग लगने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें केयर सेंटर जाना पड़ा। जब मोतियाबिंद की तकलीफ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हुआ तो सिगरेट होठों तक लेकर जाना कठिन हुआ। इस वजह से उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना छोड़ दिया। शायद उनकी लंबी आयु का राज उनकी स्फूर्ति भरे अंदाज में होगा, जोश भरे मिजाज में होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब ठीक। वाल्टर ब्राउनिंग 115। अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। सन
सन 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वाल्टर ब्राउनिंग ने अपने जीवन में तीन सदियां देखी। मोंटाना में सन 2011 में उनकी कुदरती मौत हो गई। उनकी दो पत्नियां थी और उन्होंने 55 साल रेलवे में सेवा की। 76 साल की उम्र में वह मोंटाना से रिटायर हुए और जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु के इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में काफी साक्षात्कार दिए। वह अपनी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे। जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और दिन में सिर्फ दो बार भोजन करना, इन दोनों बातों का वह ज्यादा महत्व देते थे। 112 वर्ष की आयु में उन्होंने बताया था कि अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे। उनकी आदतों में लोगों की मदद करने की आदत भी शामिल थी। विशेष बात तो यह थी कि उन्हें मौत से कभी भी डर नहीं लगता था। सन 2010 में एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम सभी कभी न कभी तो मरते ही वाले हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं, पर मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है, इसका अर्थ ही यही है कि आपकी मौत होने ही वाली है। सन 2011 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था कि मैंने ईश्वर को कहा है कि जीवन में अब इससे अच्छा कुछ होना बाकी नहीं है, इसीलिए मेरे जाने का समय आ चुका है। अलेक्जेंडर इमिच 111। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पोलैंड में सन 1903 में जन्मे अलेक्जेंडर इमिच केमिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। सन 2014 में जब उनकी मौत हुई तब वह यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। उस वक्त वह विश्व के सबसे ज्यादा आयु वाले पुरुष थे। इमिच अपनी लंबी आयु का श्रेय व्यसन रहित रहने तथा मद्यपान ना करने को देते थे। जब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज्यादा आयु के पुरुष के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबेल पुरस्कार जीतने जैसा महान कार्य बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतनी लंबी आयु तक जी सकता हूँ। मेरी लंबी आयु का राज मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इकिगाई कलाकार। लंबी आयु का राज सिर्फ सुपर सेंटेनारियंस को ही पता हो ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयु और ऊर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया है। ये कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपनी इकिगाई के हिसाब से जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। कला फिर चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई पल ला कर देती है। विशेष बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। होकुसाई 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 77 साल जिए। वह युकियो व ई स्टाइल पद्धति से लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते थे। इस कलाकार ने 100 व्यूज ऑफ माउंट फुजी नामक किताब में लिखा है, मैंने 70 साल की उम्र तक जिन चीजों की निर्मित की उनकी असल में गिनती ही नहीं करनी चाहिए। 76 वर्ष की आयु के बाद मुझे जानवर, पंछी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की भी रचना समझ में आने लगी। अपनी उम्र के 80वें साल में मैंने थोड़ी बहुत तरक्की की, ऐसा मुझे लगा। मुझे यकीन है कि 90 साल का होने तक मैं अपने कामों के रहस्यों को सही तरीके से समझने लगूंगा। 100 साल का होने तक मैं जरूर महान काम करूंगा और मुझे यकीन है कि जब मेरी उम्र 110 होगी तो मैं सही मायने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जीवन के असली अर्थ को व्यक्त कर सकूंगा। अगले कुछ पन्नों में हम न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कमीले स्वीने द्वारा एकत्रित किए हुए कुछ महान कलाकारों के बहुमूल्य शब्द जानने वाले हैं। इनमें से एक भी कलाकार ने अपने जीवन की कभी भी रिटायरमेंट नहीं ली। वे आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यही बात उन्होंने अपने जीवन द्वारा लोगों के सामने रखी। अपनी उम्र के 86वें साल पूरे होने पर अभिनेता क्रिस्टोफर प्लम्बर अपने काम के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आई। दुनिया छोड़कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा। ओसामु तेकोजन को आधुनिक जापानी मंगा पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1979 में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कार्टून निकाला जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज जस्ट लेट मी वर्क, यानी कृपा करके मुझे काम करने दें। फिल्म निर्माता फेडरिक वाइजनमन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वे जो अच्छा भी काम अपना इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं उसके पीछे एक ही वजह है और वह है अपने काम के प्रति उनका प्रेम।
उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बीमारी और शरीर के साथ ना देने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम में से हर कोई जीवन के आखिर तक काम करता रहेगा। कार्मेन हेरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, ने 89 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था। ताते मॉडर्न एंड द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके काम को रखा गया था। इस अवसर पर जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया, मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ। कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे महसूस होने लगा है कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2014 में 90 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम ज्यादा देखने लगते हैं, ज्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है, उतना ही आप ज्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज नई नई चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। 76 वर्ष के आर्किटेक्ट फ्रैंक गहरी हमें बताते हैं, कुछ इमारतों को बनाने में 7 साल तक लग जाते हैं। ऐसे वक्त पर संयम और वर्तमान में जीने की कला आपकी बहुत मदद करती है। गगेहियन बिब्लावो म्यूजियम के निर्माता गहरी को वर्तमान में रहने की कला काफी अच्छे तरीके से आती थी। वह कहते थे, आप सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो, आप कभी भी भूतकाल में नहीं जा सकते। वर्तमान में जीने के लिए आंखें और कान खुले रखें, अखबार पढ़ें और आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। हर काम के प्रति जिज्ञासा रखें, ऐसा करने से आप अपने वर्तमान में जीने लगेंगे। सदा सीखते रहें, भले ही आप बुजुर्ग हो जाए और आपका शरीर थक जाए, भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो और आपके सपने नष्ट हो गए हों, और भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। T.H. White, द वंस एंड द फ्यूचर किंग। जापान का दीर्घायु जीवन। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए हमारे पास यंत्र हैं। शायद इसीलिए अमेरिका में ज्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। गांव का ज्यादा शांत और आनंदित जीवन ही लंबी आयु का राज है। जापान सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शंका नहीं है। विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा आयु के लोग रहते हैं। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टरों की राय लेना और संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान करती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु का राज है। जरूरत हो या ना हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। जापान में रहने वाले लंबी आयु के लोगों की सीख। आनंदित और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतें। ओगी में पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 3 घंटे लगे। पहले विमान से यात्रा करके टोक्यो से नाहा जाना पड़ता है, जो कि ओकिनावा की राजधानी है। कुछ महीने पहले हमने उस गांव के मुखिया को फोन करके अपने आने का प्रयोजन बताया था। वहां के सबसे लंबी आयु के लोगों से मुलाकात करने की इच्छा भी हमने जाहिर की थी। काफी चर्चा करने के बाद हमें सहमति मिली। तब हमने उसी गांव के नजदीक एक कमरा भाड़े पर लिया। किताब का काम शुरू करने के तकरीबन 1 साल बाद हम ऐसे लोगों के बीच पहुंचे जो सबसे लंबी आयु के लोग थे। हमें महसूस हुआ कि जैसे वहां पर समय थम सा गया था, रुक गया था, क्योंकि वहां के लोग आज अभी यही वाली भावना में जी रहे थे। ओगिमी में आगमन। नाहा से 2 घंटे ट्रैफिक के बीच में से यात्रा करने के बाद हम कम भीड़ वाले इलाके में पहुंचे। हम जिस रास्ते में जा रहे थे, उसके एक ओर समुन्दर था और दूसरी ओर यानबारू जंगल से भरा हुआ पहाड़ था।
58 क्रमांक के रास्ते से जाते हुए हम नागो पहुंचे। यहाँ पर ओकिनावा ओरियन बियर बनाई जाती है। इस मार्ग से जाते हुए पहाड़ के बाजू में छोटे छोटे घर और दुकान देखने को मिल सकते हैं। छोटी छोटी दुकानों को पार करके हम ओगीमी नगर पालिका के पास पहुंचे, लेकिन उस इमारत में हमें कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया। GPS की मदद से हम अपने तय स्थान पर पहुंच गए। यह इमारत काफ़ी पुराने तरीके से बनाई गई थी और महामार्ग से लगकर ही थी। तायरा नाम की एक महिला वहां हमारी राह देख रही थी। हम दरवाजे से अंदर गए। तायरा के बाजू में एक छोटे कद की महिला खड़ी थी। उन्होंने हंसकर हमारा स्वागत किया और अपना नाम यूकी बताया। वह तुरंत हमारा स्वागत करने के लिए अपनी जगह से उठी और हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया। उन्होंने हमें ग्रीन टी और शिकुवासा नाम का बहुत ही पौष्टिक फल दिया। तायरा हमारे सामने बैठी और उन्होंने हमें पूरा प्लानर दिखाया। यूकी उनके बाजू में ही बैठी थी। उनके पास जो किताब थी उसमें शहर में रहने वाले लोगों में उनकी उम्र और क्लब योनी मोआई के अनुसार विभाजित करके लिस्ट बनाई हुई थी। तायरा ने बताया कि ये सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और संग में मिलकर रहते हैं। यही ओगीमी की विशेषता है। मोआई एक ही उद्देश्य से शुरू किया गया गुट होता है। वे एक परिवार की तरह जीते हैं। तायरा ने बताया कि वह स्वयंसेवा के चलने वाला गुट होता है और इसमें बाकी चीज़ों को पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी वजह से लोग प्रेरित होकर काम करते हैं। इसमें सभी को सम्मिलित होने का मौका मिलता है और सरकार सभी को काम बांट कर देती है। इसकी वजह से सभी के अंदर ऐसी भावना होती है कि वे महत्वपूर्ण हैं और इस समाज का एक अंग है। आर्चिपेलागो की उत्तरी दिशा के सबसे बड़े टापू केप हेडो के पहले ओगीमी गांव आता है। ओगीमी के पहाड़ से हम पूरा ओगीमी शहर एक साथ देख सकते हैं। यहां से देखने पर बहुत कम घर दिखाई देते हैं और ज़्यादातर इलाका हरे पेड़ों से ढका हुआ दिखाई देता है। यहां लगभग 3200 लोग रहते हैं। सामाजिक जीवन। हमें ओगीमी के एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए बुलाया गया। हम जब वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां सिर्फ 3 ही टेबल आरक्षित करके रखे गए थे। कोई हर्ज नहीं, हम चुराओं में जाते हैं, वहां खाली होगा, यूकी अपनी कार की ओर जाते हुए बोली। 88 वर्ष की होने के बावजूद वह काफ़ी अच्छे तरीके से कार चला रही थी और इसका उन्हें अभिमान भी था। उनके साथ काम करने वाला उनका सहायक 99 साल का था और उसने भी हमारे साथ पूरा दिन बिताने का वादा किया। उनके साथ रहने के लिए हमें कई बार जोर से गाड़ी चलानी पड़ रही थी, हालांकि वहां की सड़कों पर ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन था। बहरहाल हम जंगल की दूसरी ओर पहुंचे और वहां एक होटल में खाना खाने बैठे। मैं ज़्यादा बार होटल में नहीं जाती हूं, यूकी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं जो भी खाती हूं वह ज़्यादातर मेरे बगीचे में उगाई हुई सब्जियों से बनाया हुआ होता है। मैं मछलियाँ हमेशा अपने पुराने दोस्त तानाका से खरीदती हूँ। यह होटल समुंदर के पास ही था। स्टार वॉर्स फिल्म जैसा टापू दिखाया था उसी प्रकार का था। उस होटल के मेन्यू कार्ड में लिखा था कि हम गांव के बगीचे से उगी जैविक और मौसमी सब्जियों से स्लो फूड बनाते हैं। मुझे लगता है कि खाना जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, यूकी ने अपने विचारों को सबके सामने रखा। उनको बातचीत का शौक था। कई सारी संस्थाओं के प्रमुख पदों पर काम करने की वजह से उनके पास बोलने का तजुर्बा और अधिकार दोनों थे। खाने से आपकी लंबी आयु पर सच में कोई परिणाम नहीं होता, खाने के बाद मिठाई के छोटे से टुकड़े को मुंह में डालते हुए यूकी ने बताया। असली वजह तो हंसते हंसते जीवन जीना और आज को अच्छे तरीके से बिताना ही है। ओगीमी में बाढ़ नहीं है, होटलों की संख्या भी कम है। हमारे यहाँ पर खुशी की व्याख्या अलग है। हमारे यहाँ पर लोग एक दूसरे से सामाजिक केंद्रों में मिलते हैं। शहर के बाजू में 17 छोटे छोटे गाँव हैं। हर गाँव का एक प्रमुख होता है। कला, त्यौहार, सामाजिक कार्य और लंबी आयु, इन विभागों के लिए एक एक मुख्य आदमी की नियुक्ति की जाती है। यहाँ के लोग लंबी आयु विभाग की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं एक छोटे से गांव के एक सामाजिक केंद्र की ओर से न्योता आया था। हमें जिस जगह पर जाना था वह जगह यानबारू जंगल में थी और पुरानी इमारत थी। वह जगह महत्वपूर्ण भी थी। जन्मदिन की पार्टी। हम उस सामाजिक केंद्र पर पहुंचे। वहां लगभग 20 लोग थे और उन्होंने हमारा जोरदार स्वागत किया। उन्होंने हमें बताया कि उनके समूह में सबसे छोटे सदस्य की उम्र 83 साल की थी। हमने टेबल पर ग्रीन टी के साथ उनसे वार्तालाप भी किया। उसके बाद हम पास के खुले मैदान में आए और वहां पर 3 लोगों के जन्मदिन की पार्टी थी। उसमें से एक महिला 99 साल की थी, एक 94 साल की थी और बर्थडे बॉय की उम्र 89 होने वाली थी।
हमने गांव में गाए जाने वाले कुछ गाने गाए और अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे कहकर कार्यक्रम समाप्त किया। 99 साल की महिला ने मोमबत्ती फूंककर पार्टी में आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने घर में ही बनाया हुआ शिकुवासा का केक खाया और जैसे किसी 20-22 साल के लड़के का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार नाचते गाते जन्मदिन मनाया। हमारी यह पहली पार्टी थी, लेकिन वहाँ के हफ्ते भर के प्रवास की आखिरी पार्टी नहीं थी। हम वहाँ के लोगों के साथ कराओके करने वाले थे। हालांकि वहाँ के लोग हमसे भी अच्छा गाते थे। हम उनके पारंपरिक समारोह में सम्मिलित हुए, उनके साथ खाना खाया और नाच गाने के साथ उनकी खुशी में शामिल हुए। हर दिन एक साथ खुशी से मनाओ। ओगिमी जीवन शैली में समारंभ को काफ़ी महत्व दिया जाता है। बुजुर्ग लोगों में काफ़ी मशहूर खेल गेट बॉल को देखने के लिए हमें बुलाया गया था। इसमें लकड़ी के हाथों से बॉल को मारा जाता है। कम जगह में और कम साधनों के साथ यह खेल खेला जाता है, इसीलिए जब चार लोग मिलते हैं तो समय निकालकर इस खेल को खेलने में जुट जाते हैं। वहाँ के लोग आपस में प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और सम्मिलित होने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होती। हम भी खेल में शामिल हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें 105 उम्र की एक महिला ने हरा दिया। सभी लोग मिलकर उन्हें प्रेरणा दे रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने हमारे चेहरे पर आई खुशी को गायब कर दिया। गांव में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए खेल, समारोह और सामाजिक तालमेल के साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्व दिया जाता था। ओकिनावा के भगवान। ओकिनावा का महत्वपूर्ण धर्म होता है रिक्यूवू शिंतो। रिक्यूवू शिंतो ओकिनावा के टापुओं के समूह का नाम है और शिंतो का मतलब भगवान की ओर जाने वाला मार्ग। रिक्यूवू शिंतो में चाइना और ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म की कुछ संकल्पनाएं हैं। शिंतोइज्म ऐसा मानता है कि कुछ लोगों के पास ईश्वरीय चैतन्य प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसी के साथ पेड़ पौधे जानवर पत्थर और कुदरत की चीज़ों में भी ईश्वरीय चैतन्य होता है, जिसका इंसान पर असर होता रहता है। प्राचीन समय से चले आए इस धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई सारी आत्माओं से मिलकर इस विश्व की निर्मित हुई है। यह चैतन्य घर में, जंगलों में, पेड़ों में और पहाड़ों में भी होता है। शांत अंतकरण से और धार्मिक विधि के द्वारा हम पवित्र माहौल में उस चैतन्य को आमंत्रित कर सकते हैं। ओकिनावा ऐसे कई सारे पवित्र स्थानों से और जंगलों से भरा हुआ है। इसमें दो महत्वपूर्ण मंदिर भी शामिल हैं। एक है उटाकी और दूसरा है उगांजू। हम उगांजू मंदिर गए थे। यह एक छोटा सा मंदिर है जिसके बाजू में एक झरना है। काफ़ी सारी खुली हवा और रोशनी इसकी विशेषता है। धूप की खुशबू सभी ओर फैली हुई है। उटाकी मंदिर पत्थरों से बनाया गया है और वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर आत्माएं जमा होती हैं। ओकिनावा धर्म में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सक्षम माना जाता है। युता ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके माध्यम से आत्माओं से संपर्क बनाया जा सकता है। जापान में पूर्वजों की पूजा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। घर के सबसे बड़े बेटे के घर में एक छोटे से मंदिर में इन पूर्वजों की पूजा और प्रार्थना की जाती है। यानबारू जंगल का बुना गया चैतन्य। बुना गया जादुई जीव है। वे यानबारू और ओगिमी जंगल और उसके आसपास के शहर में रहते हैं। वे छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं और उनके बाल लंबे व लाल होते हैं। उनको जंगल में खासकर गजुमारू यानी बरगद के पेड़ पर रहना पसंद है। उनको समुन्द्र के किनारे मछली मारी करना भी पसंद आता है। ओकिनावा की कई सारी कथाएं बुना गया चैतन्य के विषय पर ही हैं। वे काफ़ी खुशमिजाज और अनपेक्षित बर्ताव करते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि बुना गया को पहाड़, नदियाँ, समुंदर, पेड़, पृथ्वी, हवा और जानवर पसंद आते हैं। अगर आपको उनके साथ दोस्ती करनी है तो आपको कुदरत के प्रति आपके मन में जो आदर है उसे व्यक्त करना पड़ता है। माबुई। हर इंसान में ईश्वर का अंश यानी माबुई होता ही है। यह चैतन्य का अंश होता है और हमारे जीवन का असली स्रोत होता है। यह चैतन्य अमर होता है और हमारे अस्तित्व का असली पहचान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मृत इंसान की आत्मा जीवित इंसान में अटक जाती है। किसी की अचानक मौत हो जाए तो ऐसा होने की संभावना ज़्यादा होती है। खासकर किसी की कम उम्र में मौत होती है तो उसकी आत्मा मृत्युलोक से जाने के लिए तैयार नहीं होती। वे ऐसा मानते हैं कि सिर्फ छूटने से भी एक इंसान की आत्मा दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है। कोई दादी माँ अपनी पोती को दी हुई अंगूठी से भी उसके शरीर में प्रवेश करती है। इतना ही नहीं, वह फोटो के माध्यम से भी प्रवेश करती है। जितने बुजुर्ग उतने सशक्त। ओगिमी में हमारे दिन भले ही व्यस्त थे लेकिन फिर भी आरामदायी थे। हम वहाँ के लोगों की तरह काम कर रहे थे।
वैसे देखा जाए तो यहाँ के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो वे काफ़ी शांत और तनाव रहित दिखाई देंगे। वे सभी अपनी इकिगाई के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भागदौड़ या जल्दबाजी नहीं होती है। वे खुशी के साथ काम करते हैं, साथ ही 200 साल पहले वाशिंगटन बर्नअप में बताए गए उस सिद्धांत का पालन भी करते हैं, जिसके अनुसार अगर आपको हमेशा खुश रहना हो तो कोई ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आपका दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने की चाह चाहिए। ओगीमे में अपने आखिरी दिन हम शहर के पास स्थित एक बाजार में खरीदारी करने के लिए गए। उस जगह पर सब्जी, ग्रीन टी, शिकुवासा का रस और चैतन्य से भरा हुआ पानी पीने को मिलता है। उन बोतलों पर लिखा होता है लंबी आयु के लिए पानी। हमने वह लंबी आयु देने वाला पानी खरीदा और समुन्द्र की ओर देखकर इस आशा से वह पानी पिया कि उस पानी की वजह से हमें भी लंबी आयु प्राप्त होगी और हमें भी अपना इकिगाई मिलेगा। उसके बाद हमने बुनागया का फोटो लिया और फिर वहां पर लिखे हुए तमाम संदेश पढ़ने की शुरुआत की। मुलाकात। हम जब वहां पर थे तब हमने कई लोगों से बातचीत की। उस दौरान हमने वहां के बुजुर्ग लोगों से उनकी लंबी आयु, तत्वज्ञान और इकिगाई के राज पूछे। हमने उनसे कहा कि हमें उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, साथ ही उसे किताब में भी शामिल करना है। उन लोगों ने तो जो राज बताए वे इस प्रकार थे। पहला, चिंता ना करें। लंबी आयु का राज है चिंता ना करना। मन में सदा युवा रहना और मन को कभी भी बूढ़ा ना होने देना। खुले मन से और हंसते हंसते सामने आए इंसान का स्वागत करें। अगर आप खुले मन से और हंसते हंसते लोगों के सामने जाएंगे तो आपके पोतों समेत सभी लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। अगर आपको चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिलकर रहना और उनसे बातचीत करना। मैं यह रोज करता हूँ। मैं लोगों के पास जाता हूँ और प्रणाम करके बातचीत की शुरुआत करता हूँ। अंत में दोबारा मिलने का आश्वासन भी देता हूँ। फिर मैं घर आकर अपने बगीचे में लगी सब्जियों की देखभाल करता हूँ और दोपहर में दोस्तों से मिलता हूँ। हम सब इकट्ठा होते हैं, हम मिलने के लिए वजह नहीं ढूंढते और मिलने के बाद समस्याएं नहीं खोजते। इकट्ठा होना और मजा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। दूसरा, अच्छी आदतें। सुबह 6 बजे उठकर बगीचे में उगी सब्जियों की ओर देखना मुझे बहुत पसंद आता है। मैं वहां जाकर अपने लगाए हुए टमाटरों और मैंडरिन संतरों को देखता हूँ। ऐसा करने से मुझे शांति और खुशी महसूस होती है। 1 घंटा बगीचे में बिताने के बाद मैं घर आकर नाश्ता करता हूँ। मैं अपनी सब्जी खुद अपने बगीचे में उगाती हूँ और अपने लिए खुद खाना पकाती हूँ। यही मेरा इकिगाई है। बूढ़े होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में है। अगर आपने अपने हाथ चालू रखे यानी सदा सक्रिय रहे तो यकीनन आप 100 साल जिएंगे। मैं अलार्म लगाकर ठीक 4 बजे उठता हूँ। उसके बाद कॉफ़ी पीता हूँ, फिर हल्का सा व्यायाम करता हूँ। इस व्यायाम की वजह से मुझे दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरी लंबी आयु का राज है। मुझे खाने में अलग अलग पदार्थ अच्छे लगते हैं, इससे मज़ा आता है। अगर आपने काम करना बंद किया तो आपका शरीर खत्म हो जाता है। मैं उठते ही फुट सुडन में धूप लगाता हूँ। आपको हमेशा अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। मैं सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करता हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और सुबह का समय बगीचों में सब्जियों के साथ बिताता हूँ। मैं हफ्ते में कम से कम 1 बार दोस्तों के साथ नाचता हूँ। मैं रोज व्यायाम करता हूँ और टहलने के लिए जाता हूँ। मैं रोज बिना चूके 250 प्रकार का व्यायाम करता हूँ। सब्जियाँ खाता हूँ। सब्जियाँ आपको लंबी आयु देती हैं। लंबी आयु के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। तीसरा, अपनी दोस्ती को रोज सींचे। दोस्तों के साथ रहना ही मेरा इकिगाई है। हम रोज मिलते हैं और गपशप करते हैं। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे पता होता है कि कल हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे और यह बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे आनंदित करने वाली बात है। अपनी पसंद के लोगों के साथ बातचीत करना ही मेरी लंबी आयु का राज है। मैं जब भी रास्ते में जाता हूँ तो स्कूल जाने वाले बच्चों को हेलो करता हूँ और जल्दी मिलेंगे ऐसा भी कहता हूँ। जो लोग कार से जाते हैं उनका अभिवादन करता हूँ और उनसे कहता हूँ गाड़ी धीमे चलाएं। एक साथ गाना गाना और चाय पीते पीते पड़ोसियों से गपशप करना, मेरे विचार से मेरे जीवन की ये 2 सबसे अच्छी बातें हैं। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ और समुन्द्र के किनारे टहलने जाता हूँ।
फिर दोस्तों के पास जाकर चाय पीता हूँ। लोगों से मिलना और उनके साथ अलग अलग जगहों पर जाना ही मेरी लंबी आयु का राज है। चौथा, आराम से जिए। आराम से और इत्मीनान से जीना ही मेरी लंबी आयु का राज है। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यकीनन लंबी आयु पाएंगे। मैं कौड़ियों से चीजें बनाता हूँ, वही मेरा इकिगाई है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मैं व्यायाम और नाश्ता करता हूँ। 7 बजे मैं काम की शुरुआत करता हूँ। 5 बजे तक यह जब तक मन करता है तब तक काम करता हूँ और उसके बाद दोस्तों से मिलने जाता हूँ। रोज नई नई चीजें करना और हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना, यही मेरी लंबी आयु का राज है। मैं किसी भी काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और लंबी आयु पाएं। रोज सुबह टहलने जाएं। छोटी छोटी चीजों में अपने आनंद लेने की कला सीखें और शांति से जिए। धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं। 5वां, सकारात्मक बने। रोज सुबह उठने के बाद मैं अपने आप को बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फायदा लूंगा। मैं 97 साल की हूँ लेकिन अपने आप को युवा ही समझती हूँ। मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें करनी है। हंसिए, हंसना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं जहां भी जाती हूँ हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं 100 साल तक जीऊंगी, यही मेरी प्रेरणा है। ओगीमी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है सदा खुश रहना। मुझे इस समाज से जो भी मिला है उसे वापस देना ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं हमेशा सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होता हूँ। मैं दोस्तों के लिए हमेशा अपनी कार तैयार रखता हूँ। इसमें कोई राज नहीं है, जीते रहना ही इसके पीछे का राज है। ओगीमी जीवन शैली। हमने जिन जिन लोगों से बात की उन सभी के पास खुद की सब्जियों के बगीचे थे, चाय के बागान थे, आम और शिकुवासा के बगीचे थे। हर एक के अपने पड़ोसियों के साथ काफी घरेलू संबंध थे और वे एक दूसरे की काफी अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। वे हमेशा समारंभ करते थे, छोटी छोटी बातों में आनंद लेते थे। नाच गाना और संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। वे सभी एक या एक से अधिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उन सभी को अपना इकिगाई स्पष्ट था और वे उन चीजों का तनाव नहीं लेते थे। उनको अपनी संस्कृति और परंपराओं का अभिमान था। काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, वे उसे उतने ही उत्साह के साथ पूरा करते थे। यहाँ के लोगों को यूई मारू मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर जीना अच्छा लगता था। वे खेती से लेकर इमारत बांधने जैसे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। हमारे वहां से निकलने के एक दिन पहले वाली रात को खाना खाते वक्त मियागी ने बताया कि सभी लोग मिलकर आपके लिए एक घर बना रहे हैं और अगली बार आने पर आप उस घर में रह सकते हैं। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन व्यस्त रहते हुए भी आराम से रहने की कला उन्हें अच्छे तरीके से आती है। किसी बगीचे में बेंच पर खाली बैठे हुए कोई बुजुर्ग हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। वे हमेशा घूमते रहते हैं, किसी से मिलते रहते हैं, गेट बॉल खेलते रहते हैं और कराओके गाते रहते हैं। इकिगाई खाद्य संस्कृति। विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों की खाद्य संस्कृति। देखा जाए तो ओकिनावा जापान का ऐसा प्रदेश है जिसका दूसरे महायुद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि उसके बाद भी यहाँ के लोगों को भूख और साधनों के अभाव का सामना करना पड़ा था। 1940 से 1950 तक यह आयुर्मान ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वे लोग उस झटके से उभरे, इस जगह की सबसे ज्यादा आयुर्मान वाले इलाके के तौर पर गिनती होने लगी। जापान में ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतनी लंबी आयु तक जीते हैं? उसमें भी ओकिनावा में ऐसा क्या छुपा है कि लंबी आयु के बारे में यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं? जानकारों का ऐसा कहना है कि ओकिनावा एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है। यहाँ पर कार से यात्रा करना भी संभव नहीं है। यहाँ के लोग यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल जाने वाले विकल्प चुनते हैं। साथ ही दिन में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का यहाँ पर काफी गंभीरता से पालन होता है। ओकिनावा की जादुई खाद्य संस्कृति। हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह है उनकी खाद्य संस्कृति और इसी वजह से सभी आहार विशेषज्ञों की ओकिनावा खाद्य संस्कृति की ओर नजर होती है। युकुट्स यूनिवर्सिटी के प्राचार्य मोकोटो सुजुकी द्वारा लिखी गई शोध परक पुस्तकों में ओकिनावा खाद्य संस्कृति के बारे में काफी जानकारी मिलती है। सर 1970 में उन्होंने ओकिनावा खाद्य संस्कृति और लंबी आयु पर 700 से ज्यादा लेख प्रकाशित किए। द ओकिनावा प्रोग्राम नामक पुस्तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसे ब्रेडली जे विलकॉक्स और डी क्रग विलकॉक्स ने डॉक्टर मोकोटो सुजुकी के साथ मिलकर लिखा था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जैसे कि यहाँ के लोग काफी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज हो सकता है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वे 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं जिसमें कई मसाले भी शामिल हैं। वे दिन में कम से कम 18 पदार्थ खाते हैं। हमारा खाना खाने की पद्धति से यह बिल्कुल विपरीत है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं, यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खाने की ओर देखकर यह पक्का करें कि हम इंद्रधनुषी खाना खा रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी और बैंगन है या नहीं। इसमें काफी रंग समाये हुए हैं। साथ ही सब्जियां, आलू, अंकुरित धान्य और टोफू जैसे पदार्थ खाने में होना जरूरी है। ओकिनावा में 30% से ज्यादा कैलोरी सब्जियों में मिलती है। अनाज उनकी खाद्य संस्कृति की नींव है। वे रोज चावल खाते हैं और चावल के साथ नूडल्स भी खाते हैं। चावल ओकिनावा का महत्वपूर्ण अन्न है। वे लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं। हम काफी बार गन्ने के खेतों से गुजरे और नाकिजीन कास्कले में हमने गन्ने का रस भी पिया। यहाँ की काफी दुकानों में गन्ने का रस निकाल कर पीने के लिए दिया जाता है, जिससे के कई सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। जापान की बाकी जगहों पर कम मिलने वाले सुअर का मांस यहाँ पर ज्यादा पैमाने पर यानी हफ्ते में 1 या 2 बार खाया जाता है। इसके अलावा मोकोटो सुजुकी के परीक्षण में और भी कई बातें सामने आई हैं, जैसे कि ओकिनावा के लोग जापान के बाकी लोगों की तुलना में 1/3 शक्कर खाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। वे बाकी जापानी लोगों की तुलना में आधा ही नमक खाते हैं। जापान में प्रतिदिन औसत 12 ग्राम नमक खाया जाता है, जबकि ओकिनावा में यह औसत केवल 7 ग्राम है। जापान में लोग रोज अंदाजन 2068 कैलोरीज लेते हैं, जबकि ओकिनावा में यह मात्रा केवल 1885 ही है। देखा जाए तो विश्व में जहां पर भी ज्यादा आयु के लोग रहते हैं वहां पर कैलोरीज की मात्रा कम ही होती है। हारा हाचिबू। कैलोरीज की इस मात्रा का जिक्र आया है तो हम पहले प्रकरण में बताए गए हारा हाचिबू यानी 80% खाने की सलाह पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो उसे खाना बंद कर दें। डिश का आकार छोटा कर दें। मुख्य बात यह है कि खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख रहनी चाहिए। इसी वजह से जापान में बर्तनों का आकार काफी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। वहां पर खाना एपेटाइजर, मुख्य खाना और अंत में मीठा इस प्रकार के 3 हिस्सों में नहीं परोसा जाता। इसकी बजाय सभी पदार्थ छोटी छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं। एक बर्तन में भात, मिसी सूप की डिश और साथ में एकाध पदार्थ दिया जाता है। छोटे छोटे बर्तनों में परोसने की वजह से ज्यादा खाने की संभावना ही खत्म हो जाती है। साथ ही एक से ज्यादा पदार्थ खाना भी संभव हो जाता है। हारा हाचिबू एक प्राचीन पद्धति है। 12वीं सदी में जैन बौद्ध जाजेन योजिंकी ने अपनी क्षमता से 2/3 खाना खाने की सलाह दी थी। जरूरत से कम खाना खाना लगभग सभी बौद्ध मंदिरों की प्रथा है। कम कैलोरीज लेने के फायदे 100 साल पहले बुद्धिज्म जानने वाले लोगों को पता थे। कम खाएं, भरपूर जिए। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत ना हो, लेकिन किसी भी चीज की अति में नहीं जाना चाहिए। जरूरत से कम खाना यह मूल संकल्पना है। कितना खाते हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या खाते हैं। इसलिए जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा और खराब खाना खाने से अच्छा है कि कम और पौष्टिक खाना खाएं। कम कैलोरीज लेना लंबा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा मात्रा में कैलोरीज लें तो आलस आने की संभावना होती है। शरीर की सभी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। कम कैलोरीज का और एक फायदा होता है, IGF की मात्रा कम होती है। IGF 1 की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कैलोरीज कम लेने से लंबी आयु में योगदान होता है या नहीं यह कहना कठिन है, लेकिन उसकी वजह से मोटापा कम होना, दूसरे स्तर के डायबिटीज से बचना और कैंसर जैसी बीमारियों को टालना अवश्य संभव होता है।
80% का नियम हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास रखने से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन 2 दिनों में हर दिन 500 कैलोरीज खाने की सलाह दी जाती है, बाकी दिनों में नियमित कैलोरीज ले सकते हैं। उपवासों के कई सारे फायदे में हजम करने की प्रक्रिया अच्छी होना और आराम मिलना भी शामिल है। ओकिनावा खाद्य संस्कृति के 15 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु होते हैं जो पेशियों में होने वाले ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ग्रीन टी ऐसी ही एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। ओकिनावा में यह कुदरती एंटीऑक्सीडेंट लगभग रोज लिया जाता है। आगे दिए गए 15 पदार्थ भी उनकी जीवन शैली के अंग हैं। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया, करेला, कोम्बू, गोभी, नोरी, प्याज, सोया, हेचीमा, सोयाबीन, मीठे आलू, मेरपुड और सनपिन छा यानी जैस्मिन की चाय। सनपिन छा मन जीतने का प्रभावी तंत्र। ओकिनावा में किसी भी और चाय की तुलना में सनपिन छा बहुत ज़्यादा मात्रा में पी जाती है। इसमें ग्रीन टी और जैस्मिन की चाय का मिश्रण होता है। सन 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिरोशो के किए गए अध्ययन में यह पता चला कि जैस्मिन चाय की वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ओकिनावा में विभिन्न प्रकार की सनपिन छा मिलती है। यह मशीन के द्वारा भी बनाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के साथ वह जैस्मिन के फायदे भी हासिल करवा देती है। इससे हृदय विकार की संभावना कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ओकिनावा में लोग दिन में 3 कप सनपिन चाय पीते हैं। विश्व में बाकी जगहों पर इतनी अच्छी गुणवत्ता की चाय नहीं मिलती, लेकिन जैस्मिन टी और अच्छी गुणवत्ता की ग्रीन टी से हमें इसका फायदा मिल सकता है। ग्रीन टी का राज। ग्रीन टी सदियों से वैद्यकीय फायदों के लिए जानी जाती है। आधुनिक युग में इस पर अध्ययन करने के बाद लोगों ने माना कि इसका लंबी आयु के लिए फायदा होता है। इस चाय की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन इसे पूरे विश्व में पहुंचने के लिए काफी समय लगा। पिछले कुछ दशकों से लोगों के अंदर इसके प्रति सजगता बढ़ गई। शुद्ध कुदरती रूप से मिलने वाली इस चाय के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण मिलना, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, रक्ताभिसरण जल्दी होता है, फ्लू से संरक्षण मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है, कुछ जीवाणुओं के हमलों से बचाव होता है, यूवी किरणों की वजह से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, शरीर की शुद्धता होती है और मूत्र पिंड के कार्य में सुधार होता है। वाइट टी। इसके अंदर मौजूद पॉलीफेनॉल्स की मात्रा उम्र को बढ़ाने वाली प्रक्रिया धीमा करने में काम आती है। इसे विश्व का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। व्हाइट चाय का 1 कप संतरे के रस के 12 कप इतनी ऊर्जा देता है। सारांश, ग्रीन और व्हाइट टी पीने की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसान ज्यादा जवान दिखने लगता है। शक्तिशाली शिकुवासा। शिकुवासा नींबू जैसा एक फल है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन ओकिनावा में होता है। यह फल काफी एसिडिक होता है। पानी में मिलाए बिना हम उसका रस पी भी नहीं सकते। उसका स्वाद नींबू और मैंडारिन संतरे के जैसा होता है। शिकुवासा में उच्च स्तर का नोबिलेटिन होता है और जो एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा स्रोत होता है। नींबू और संतरे में भी नोबिलेटिन की मात्रा होती है, लेकिन शिकुवासा में इसकी मात्रा 40 गुना ज्यादा होती है। नोबिलेटिन की वजह से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा कम करने में फायदा होता है। शिकुवासा में क और बा जीवन सत्व होते हैं। बीटा कैरेटीन और मिनरल्स भी होते हैं। इसका इस्तेमाल कई सारे प्राचीन पदार्थों में और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका रस भी निकालते हैं। जब हम एक बुजुर्ग के जन्मदिन की पार्टी में गए थे तो हमें इसी शिकुवासा का केक दिया गया था। पाश्चात्य लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के स्रोत। सन 2010 में यूके के डेली मिरर में विशेषज्ञ लोगों ने लंबी आयु के लिए उपयुक्त खाने की सूची दी थी। ये खाद्य पदार्थ विश्व में हर जगह उपलब्ध हैं, जैसे कि ब्रोकली और चार्ड जैसी सब्जियां जिनमें पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, सालमोन, माक्रेरेल, टूना और सर्डाइंस जैसी मछलियां, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकोट, खुबानी जैसे फल जो जीवन सत्व से भरे होते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करते हैं, बेरी और ब्लूबेरी जिनमें फीटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, सूखा मेवा जो आपको ऊर्जा देता है।
ओट्स और गेहूं जैसे अनाज जिनमें ऊर्जा और मिनरल होते हैं, ऑलिव ऑयल जिसमें त्वचा को चमक मिलती है। इस सूची से शक्कर, बेकरी के पदार्थ, फास्ट फूड, गाय का दूध और उससे बने पदार्थों को जानबूझकर निकाला गया है। ओकिनावा में जिस प्रकार की खाद्य संस्कृति का इस्तेमाल होता है उससे हम ज़्यादा साल तो जी ही सकते हैं, साथ ही ज़्यादा जवान भी महसूस कर सकते हैं। इसमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की शक्ति है। लयबद्ध व्यायाम, स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग भरपूर व्यायाम भले ही न करते हों लेकिन भरपूर हलचल जरूर करते हैं। हम जब ओगिमी गए तो हमें एक बात पक्की पता चल गई कि वहाँ के 80 और 90 साल के लोग भी काफ़ी कार्यक्षम हैं। वे घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहने और पेपर पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते। ओगिमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले भी वे लोग बगीचे में काम करने जाते हैं। वे लोग कभी भी जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन सदा कुछ न कुछ हलचल करते रहना मानो उनकी दिनचर्या का अंग सा होता है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए पूरब में सदियों से प्रचलित व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं। पूरब के देशों में इन व्यायाम पद्धतियों को दिनचर्या का और संस्कृति का अंग माना जाता है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के किंगोंग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सदा जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इसे मान्य किया है। इसकी वजह से शरीर को कई सारे असाधारण फायदे होते हैं। विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है। ताइची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस जैसी बीमारियां कम पाई जाती हैं। उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता है। उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ होता है और वे उसका इस्तेमाल तनाव और निराशा के खिलाफ ढाल की तरह करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जिम जाकर पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में लंबी आयु के लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। जापान और चीन की संस्कृति में बताए गए किसी भी व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो भी हमें बड़ा फायदा होगा। इन व्यायामों को सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है। इस प्रकार का अनुशासित और निरंतरता से व्यायाम फ्लो भी अच्छा होता है। अगर आपको इनमें से कोई व्यायाम पसंद ना आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम प्रकार चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम स्वस्थ और लंबी आयु के लिए पोषक पद्धति देखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में हम एक छोटे से जापानी व्यायाम प्रकार से करते हैं। रेडियो ताइसो। सुबह किया जाने वाला यह व्यायाम प्रकार जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। उनके नाम में जो रेडियो शब्द है वह इस बात को प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम की सूचनाएं रेडियो से दी जाती थी। आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं। रेडियो ताइसो का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपस्थित लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना। ये व्यायाम पाठशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर जापान में 30% लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो ताइसो व्यायाम से करते हैं। ओगिमी में हमें पता चला कि जिन लोगों ने हमसे बात की उनमें से 100% लोग इससे दिन की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जिन अस्पतालों को भेंट दी वहां पर भी लोग सुबह 5 मिनट यही व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी से हिल भी नहीं पाते थे लेकिन वहां पर बैठे बैठे ही वे व्यायाम में सम्मिलित होते थे। हम भी उनमें शामिल हो गए और हमें महसूस हुआ कि हमारा बाकी दिन काफ़ी जोश के साथ गुजरा। इस व्यायाम को सभी लोग मिलकर करते हैं जिसकी वजह से इसे बड़े से मैदान में या हॉल में कराया जाता है। इसमें सूचनाएं देने के लिए माइक और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप कौन से व्यायाम करते हैं उससे यह तय होता है कि व्यायाम का समय कितना होगा। शरीर का तनाव हटा देना और फिर लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है।
सबसे आसान रेडियो ताइसो व्यायाम प्रकार होता है और अपनी उंगलियों को ऊपर खींचना और गोलाकार पद्धति से उन्हें नीचे लाना। यह एक हल्का फुल्का व्यायाम प्रकार होता है। शरीर के सारे अंगों और पेशियों में लचीलापन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हो सकता है कि यह काफ़ी आसान लगे, लेकिन आज के इस आधुनिक जग में हम बिना जरूरत के तो अपना हाथ कान के ऊपर भी नहीं लेकर जाते हैं। जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किताब पढ़ते हैं या खाना बनाते हैं, तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है। जब हम अलमारी से या ऊपर रखी हुई किसी चीज़ को निकालने जाते हैं, तभी हमारा हाथ ऊपर जाता है। पुराने ज़माने में लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते थे और उनको दिन भर में कई बार हाथ ऊपर उठाना पड़ता था। रेडियो ताइसो हमें ऐसा करने में मदद करता है। योग। भारत, जापान और विश्व में करीबन हर जगह पर योग काफ़ी मशहूर है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कुछ प्रकार तो गर्भवती महिलाएं और विकलांग भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के योग शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों का एकीकरण करना, दो चीज़ों को जोड़ना। योग हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है, विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य हमारे मूल धर्म की स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, हमें चैतन्य के नज़दीक लेकर जाना। योग के प्रकार, हालांकि सभी प्रकारों का मकसद एक ही होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और रीतियों की वजह से उसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जिन लोगों ने योग का प्रचार किया, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव किए। ज्ञान योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए किया जाने वाला योग। इसमें ज्ञान मार्ग से खोज की जाती है। कर्म योग, हमारे और समाज के लिए उपयुक्त कृतियों पर जोर देना। भक्ति योग, चैतन्य को समर्पित और भक्ति भाव से के साथ किया जाने वाला योग। मंत्र योग, मंत्रोच्चारों के मार्ग से शांति और संतुष्टि पाने का प्रकार। कुंडलिनी योग, शरीर में जो विभिन्न चीज़ें होती हैं उन्हें इकट्ठा करके मानसिक विकास हासिल करना। राजयोग, इसे राजमार्ग भी कहते हैं। सभी मिलकर इकट्ठा फायदे की दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग, जापान में और पश्चिमी जगत में यह प्रकार काफ़ी मशहूर है। विभिन्न आसनों की मदद से अपेक्षित स्थिति तक पहुंचा जाता है। सूर्य नमस्कार करने का तरीका। सूर्य नमस्कार हठ योग की सबसे विशिष्ट क्रिया है। इसमें आपको 12 कदम पूरे करने होते हैं। पहला, पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियों के पृष्ठ भाग को एक दूसरे से चिपके रखें, फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा, अब गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। तीसरा, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से जमीन का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। चौथा, इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें, श्वास लेते हुए दाएं पैर की ओर पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। पांचवा, इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। छठा, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें, जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें। अब घुटने, छाती और ठोड़ी पृथ्वी पर लगा दें, छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सातवां, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें, हाथों को सीधा रखें, हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें और पैरों के पंजे खड़े रहें। आठवां, यह स्थिति पांचवी स्थिति के समान है। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने की
कोशिश करें। 9वां, यह स्थिति चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाएं, श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर लें, अब गर्दन ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। 10वां, यह स्थिति तीसरी स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को सीधा रखें। 11वां, यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। 12, यह स्थिति पहले स्थिति के समान रहेगी। ताई ची कुआन नाम से जाना जाने वाला ताई ची व्यायाम जापान में सैकड़ों सालों से प्रचलित है। बुद्धिज्म और कन्फ्यूजनिज्म में इसका जिक्र है और यह चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। यह जापान में भी काफी मशहूर है। चीन की संस्कृति के अनुसार इसकी खोज ताओइस्ट गुरु और मार्शल आर्ट के अभ्यासक जोंग शेनफेंग ने की थी। 19वीं सदी में यांग लुचान ने इसका जगभर में प्रसार किया। ताई ची की मूल शुरुआत नेइजिया मतलब अंतर्गत मार्शल आर्ट के लिए की गई। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाता है। चपलता का इस्तेमाल करके कम ऊर्जा में अपने प्रतियोगी को कैसे हरा सकते हैं, यह बात इसमें सिखाई जाती है। इसमें खुद हमला करने की बजाय खुद को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ताई ची माने शरीर और मन का उपचार। इसका उपयोग आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए किया जाता है। देश के लोगों को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए चीन सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। ताई ची के प्रकार। ताई ची सिखाने वाली कई शालाएं हैं। उनके कई अलग अलग प्रकार भी हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं। चेन स्टाइल, धीरे और एकदम धड़ाके बाद हलचल का संगम। योंग स्टाइल, सबसे ज्यादा मशहूर इस प्रकार में धीमी और द्रव पदार्थ जैसी हलचल की जाती है। वू स्टाइल, छोटी छोटी और सजगता से की गई हलचल। हाउस स्टाइल, अपने अतरंग में झांककर सूक्ष्म हलचल करना। यह प्रकार विश्व में ही नहीं बल्कि चीन में भी काफी कम इस्तेमाल होता है। हालांकि ये सभी स्टाइल्स एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी इनके पीछे का उद्देश्य समान है, जैसे कि स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, दूसरे क्रमांक की हलचल करके पहले स्थान पर पहुंचना, खुद को और प्रतियोगियों को जानना। ताई ची के 10 मुख्य सिद्धांत। मास्टर यांग चेंगु ने ताई ची के निम्नलिखित 10 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। पहला, सीधा खड़े रहकर अपना पूरा लक्ष्य अपने माथे पर केंद्रित करना। दूसरा, पीठ के स्नायुओं को तनाव देना और बाद में शिथिल करना। 3, कमर रिलैक्स करके उसके माध्यम से शरीर की बाकी हलचल को नियंत्रित करना। 4, हमारे शरीर का वजन कैसे विभाजित हुआ है यह जानकर जड़ता और हल्केपन के बीच के अंतर को पहचानना। 5, हाथों की हलचल आसानी से करके शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह अच्छा करना। 6, शरीर की शक्ति से ज्यादा महत्व मन की चंचलता चपलता को देना। 7, शरीर के ऊपरी और निचले अंग में लयबद्धता लाना। 8, मन शरीर और मांस से एक रूप होना। 9, हलचल नियंत्रित करने की बजाय लचीलापन और लयबद्धता को महत्व देना। 10, हर पल में जो शांति है स्थिरता है उसको खोजना। शरीर कार्यरत होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। बादलों का अनुकरण। ताई ची की सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दी हुई पद्धति से किया जाता है। दोनों हाथ आगे ले जाएं और तलवों को नीचे करें। आप जैसे किसी पेड़ के तने को आलिंगन दे रहे हों ऐसी कृति करें। उस वक्त आपके तलवे बाहरी बाजू को रखें। बायां हाथ ऊपर की तरफ से पत्ते की तरफ और दायां हाथ नीचे से मध्य तक हिलाएं। एक गेंद के आकार में अपने शरीर के सामने हाथ हिलाएं। बाएं हथेली चेहरे के सामने ले जाएं। हाथों के मूवमेंट को देखते हुए बाएं पैर पर शरीर का पूरा वजन देकर कमर को मोड़ें।
अपने बाएं हाथ को कमर पर और दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाएं। अपना वजन दाहिने पैर पर रखें, दाहिने ओर मुड़ें और अपने दाहिने हाथ को देखते हुए इसे ऊपर उठाएं। अब हाथों की मूवमेंट को लचीलेपन के साथ करें। हाथ को फिर से लंबा करें और धीरे धीरे इसे पहली स्थिति में वापस लाएं। की गोंग ची कुंग नाम से जाने जाने वाला यह व्यायाम प्रकार दो शब्दों से बना हुआ है, जीवन की चेतना ऊर्जा और गांग काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। आज की इस आधुनिक कार्य पद्धति में हम मन और शरीर को जोड़कर उसकी मदद से अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्रिया कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रकार मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने लगा और 1930 से इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी होने लगा। उसके बाद चीनी सरकार ने ताई ची की तरह इस व्यायाम प्रकार को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए। क्विकांग में मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों या शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता में रखा जाता है। क्विकांग में जो भी प्रकार हैं उन सभी को उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इसके अंदर जो हलचल है वह काफी धीमी होती है, लेकिन उसमें काफी संयमित हलचल होती है। क्विगांग के फायदे। कई सारे सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि ताई ची और योग की तरह क्विगांग के भी कई सारे प्रकार हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्विगांग सैन फ्रांसिस्को में स्थित क्विगांग इंस्टीट्यूट ऑफ शास्त्रार्थ डॉक्टर केनेथ एम सांसियर ने अपने एक लेख में इसके कई फायदे लिखे हैं, जैसे कि मस्तिष्क में बनी तरंगों का विकास होता है, हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव होते हैं, हृदय विकार से आने वाली मौत की संभावना कम होती है, रक्तचाप की बीमारियां कम होती हैं, हड्डियों में तंदुरुस्ती आती है, खून का बहाव अच्छे तरीके से होता है, बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या कम होती है, शरीर के अंग काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मस्तिष्क को अच्छे तरीके से खून की मात्रा मिलती है, मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है, हृदय का कार्य सही तरीके से चलता है, कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष्परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वजह से हमारा शरीर सुडौल तो होता ही है, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। क्विगांग करने की पद्धति। क्विगांग का व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। शरीर में स्थित इस ऊर्जा का सही तरीके से नियोजन कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए। त्याउशेन शरीर का नियोजन। सही आसन में बैठना, जमीन से जुड़े हुए होना अति आवश्यक है। त्याउशी सांस का नियोजन, सांस धीमी गति से लेते हुए संयमित और शांत करना। त्याउ हसीन मन का नियोजन, यह स्टेप बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है। त्याउची ऊर्जा का नियोजन, पहले तीन घटकों को आप उचित समन्वय करके ऊर्जा को सही मात्रा में नियंत्रित करना। त्याउशेन चेतना का विनियमन, द एसेंस ऑफ ताईजी क्विगांग में यांग ज्विंग मिंग कहते हैं कि चेतना शक्ति भी है और नींव। इस प्रकार से पूरा शरीर इकट्ठा होकर एक ही दिशा में कार्यरत होता है और एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। क्विगांग के पांच सिद्धांत। क्विगांग में पांच सिद्धांतों पर काम किया जाता है, पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। इस व्यायाम के माध्यम से पांच प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है जिससे शरीर के अंग और मस्तिष्क के कार्य विकसित होते हैं। यह व्यायाम कई तरीकों से किया जाता है। हम क्विगांग इंस्टीट्यूट इन बार्सिलोना के मारिया इसाबेल गार्सिया मैनरिल की पद्धति देखेंगे। पृथ्वी, अपने पैरों में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाएं ताकि आप आसानी से खड़े हो सकें। अपने कंधों को थोड़ा झुकाएं और अपने शरीर को ढीला और बाहों को शरीर के बाजू में ढीला छोड़ दें। सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाएं, उस समय हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को पेट तक नीचे लाएं। उस समय हथेलियों को अंदर की ओर करें। कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें।
जल। पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। घुटनों पर झुकें और सीना सीधा करके नीचे बैठें। उच्च स्थिति, टेलबोन को सीधा रखते हुए बैठें। जब आप फिर से सांस लें तो पृथ्वी पर वापस आएं। इस क्रिया को 3 बार करें। लकड़ी, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। सांस लेते हुए ऊपर हाथ ऊपर और फिर एक तरफ ले जाएं और एक गोलाकार आकार बनाएं। ऐसा करते करते हाथों को गर्दन तक लाएं। हाथ और कोहनियों को एक लाइन में लाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए उसी क्रिया को उल्टा करें, पहले स्थान पर आ जाएं। यही क्रिया 3 बार करें। धातु, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को अपनी छाती तक उठाएं। उंगलियां एक दूसरे से थोड़ा अलग और ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथों को एक दूसरे से लगभग 4 इंच लंबा रखें। सांस लेते समय हाथ एक दूसरे से अलग करें और उनमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें। सांस छोड़ते समय फिर से दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है वही करें। इस गतिविधि को 3 बार करें। जब आप अपने हाथों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं, तब उनमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुभव लें। आग, पृथ्वी आसन से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हथेलियों को एक दूसरे की ओर रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हृदय तक ऊपर लेकर आएं। अपने हृदय की ऊर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाएं। कमर से थोड़ा बाएं मुड़े और अपने हाथों को जमीन के समानांतर रखें और हलचल। दोनों हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं। ऊपर का हाथ कंधों तक ले जाएं और नीचे का हाथ कमर तक ले जाएं। अब अपने हाथों को जमीन के समानांतर रखते हुए कमर से दाईं ओर मोड़ें और हलचल करें। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को हृदय के पास लाएं। हाथों के बीच दोबारा दूरी बढ़ाएं। ऊपरी हाथ कंधे तक और निचला हाथ कमर तक नीचे ले जाएं। व्यायाम को पूरा करना। पृथ्वी की स्थिति से शुरुआत करें, हथेलियों को नीचे रखें और सांस लेते समय अपने हाथों को कंधे तक उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को छोड़ें और वू क्विक स्थिति में ले आएं। शीएचसू, हाथ के अंगूठे और हथेली के दबाव की मदद से ऊर्जा पर काम करने का यह तरीका 19वीं सदी की शुरुआत में जापान में बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया जाता है। शरीर को तनाव देते हुए श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों को संतुलन बनाए रखना है। व्यायाम का कोई भी प्रकार एक जैसा ही करना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। इसके पीछे के उद्देश्य को समझकर शरीर को सही तरीके से हलचल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे उद्देश्य शरीर को तनाव देना और ढीला छोड़ना है, जो सफल होना चाहिए। ताओ यून का मतलब कोई भी एक हलचल नहीं है। शरीर को दिया गया तनाव गर्दन का उठना, चलना, सोना, खड़े होना या एक जगह रुकना, ये सब ताओ यून ही है। अच्छी तरह से सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। मन और शरीर को विकसित करने के लिए कई स्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है जीजुन शिशु। यह पुस्तक 13वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रही है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 6वीं शताब्दी के चीनी चिकित्सक और लेखक संत सिमियो ने किया था। इसमें ध्वनियों और आंदोलनों के माध्यम से आपके हृदय को शांत करने के लिए 6 अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। 6 आवाज, कुसु, श जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि यकृत के लिए उपयोगी होती है। ही, हर जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि हृदय से संबंधित है। सी, सर जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि फेफड़ों से संबंधित है। चुई, च्वी की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि यकृत से संबंधित है। हू, हू की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि प्लीहा से संबंधित है। सी, शी की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि पूरे शरीर से संबंधित है। संत सिमियो ने एक कविता के माध्यम से इस बात का वर्णन किया है कि विभिन्न मौसमों में इन ध्वनियों के माध्यम से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह कविता आपको यह भी बताती है कि जब आप ध्वनि निकालते हैं तो आपको किस अंग के बारे में सोचना चाहिए। वसंत में सु कहकर अपनी आंखें छलछलाएं तो वुड आपके लीवर को ठीक कर देगा। गर्मियों में ही का लाभ उठाएं तो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। बारिश के मौसम में सी का इस्तेमाल करें।
तो यह फेफड़ों की मदद करेगा। चुई की मदद से यकृत को दे साथ, तो आपके अंदर का पानी होगा इसमें शांत। सी की मदद से दे गर्मी को मात, और सभी मौसमों में एक लंबी सांस लें जो है पाचन के लिए खास। सांस छोड़ना इतना धीमा है कि आपके कानों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और यह सब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाएं शराब का तंत्र। यही है सुखी और स्वस्थ जीवन का मंत्र। इस अध्याय में वर्णित सभी संस्कृतियों को समझना शायद आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक धागे की तलाश करते हैं तो आप पाएंगे कि हर किसी ने सांस और गति का समन्वय किया है। जब हम अपनी सांस और शरीर का समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागृत रहेंगे। चिंता और वाबी-साबी। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर परिणाम न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें? दृढ़ता यानी क्या? इकिगाई स्पष्ट होने वाले लोगों में एक चीज समान रूप से पाई जाती है, वे अपने इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह उनके खिलाफ हों तो भी, और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी, वे अपनी इकिगाई को नहीं छोड़ते। मनोचिकित्सकों के बीच में दृढ़ता के बारे में जो बातें मानी जाती हैं उन्हें हम अभी समझने वाले हैं। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं है। अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह दुनिया की तरफ देखने का हमारा वह नजरिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवश्यकता है, इससे भी ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है कि क्या करना ज़रूरी है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। हम जानने वाले हैं कि दृढ़ता से आगे जाकर कठोरता कैसे निर्मित करनी चाहिए। आज नहीं तो कल, हम सभी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। हम उनका कैसे सामना करते हैं इस पर कई सारी बातें निर्भर होती हैं। कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारे शरीर, मन और भावनाओं का मिला हुआ दृढ़ता का प्रशिक्षण ही काम में आता है। नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरे 8 बार उठे, जापानी कहावत। समस्याओं का सामना करने की हमारी क्षमता मतलब हमारी दृढ़ता। हम जितनी ज्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। दृढ़ लोगों को यह पक्का होता है कि कभी भी निराशा का शिकार ना होते हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीना चाहिए। उनकी दृढ़ता ही उनकी शक्ति होती है। सामने आई परिस्थिति का सामना करके उसमें से कैसे राह निकालनी है यह उन्हें पक्का पता होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं होती उनकी चिंता करना वे छोड़ देते हैं। रेनहोल्ड निबूहर की शांति के लिए रची हुई निम्नलिखित प्रार्थना काफ़ी मशहूर है। हे भगवान, जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते उनका स्वीकार करने में हमें शक्ति दे। जिन चीज़ों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दे, और ऊपर दी गई दोनों चीज़ों का अंतर पहचानने की समझ देना। बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म के माध्यम से भावनात्मक दृढ़ता। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपाल के कपिल वस्तु के राजपुत्र थे। उनका बचपन महलों में बीता, आसपास में काफ़ी खुशहाली थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, उन्हें एक बेटा भी हुआ। सांसारिक जीवन में मन ना लगने की वजह से उन्होंने 29 की उम्र में महल छोड़ दिया और साधु जैसा जीवन जीने लगे। लेकिन उस वैराग्य में भी उन्हें आनंद नहीं मिला। उन्हें जिस आनंद की तलाश थी वह उन्हें न महल में मिला, न ही सब कुछ छोड़कर। तब उन्हें पक्का हुआ कि ये दोनों भूमिकाएं गलत हैं। मनुष्य को संसार में रहकर सभी चीज़ों का लाभ भी लेना चाहिए, और साथ ही उन सभी चीज़ों से किसी भी पल मुक्त होने के लिए जो सजगता आवश्यक है वह भी उसके पास होनी चाहिए। जैनों ने इसका अभ्यास सन्यासी लोगों से शुरू किया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सभी सांसारिक चीज़ों का त्याग किया होता है, और उनके शरीर पर जो कपड़े हैं उतनी ही उनकी दौलत होती है। लेकिन यह वैराग्य जैनों को रास नहीं आया। उन्होंने स्टोइज्म का अभ्यास करने की शुरुआत की, जिसमें यही बताया जाता है कि इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप उसके गुलाम नहीं हो जाते तब तक यह करना सही है। किसी भी पल वे सभी सुख सुविधाएँ नष्ट हो जाएँ तो भी आप उसके लिए तैयार हैं। यह अवस्था पाना ही उस गुलामगिरी से हमारी असली मुक्ति है।
सन्यासी की तरह इन सभी चीज़ों को और उनसे मिलने वाले आनंद को छोड़ना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना लक्ष्य है। इन भावनाओं पर विजय पाना ही बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य है। ये दोनों मार्ग भले ही अलग हों, फिर भी दोनों अहंकार और नकारात्मक भावनाओं पर ही काम करते हैं। स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म दोनों में अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है, अगर हम उनके गुलाम ना बने तो उनका लाभ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हमें हमारा पसंदीदा जॉब मिलता है, लेकिन कुछ ही समय में हम दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। हमें लॉटरी लगती है तो हम कार खरीदते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगने लगता है कि हमारे पास वोट भी होनी चाहिए। हमें हमारा मनचाहा साथी मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे मन में कोई और कल्पनाएं बनने लगती हैं। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। स्टोइक लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। सद्गुणी इंसान का उद्देश्य होता है निश्चल और स्थिरता चित्त अवस्था प्राप्त करना, यानी ऐसी अवस्था जिसमें क्रोध, लोभ, भय, चिंता जैसी भावनाएं नहीं होती, सिर्फ आनंद, प्रेम, शांति और धन्यवाद के भाव होते हैं। स्टोइक इस प्रकार के गुणों प्राप्त करने के लिए नकारात्मक कमरा चित्रों का प्रयोग करते हैं। ऐसी कल्पना करते हैं कि उनके पास जो भी सुविधाएं और साधन है ये छिन गए तो क्या होगा। इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसके बारे में पहले ही सोच कर रखते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं। नकारात्मक कल्पना करते वक्त हमें घटनाओं के बारे में सोचना होता है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी होती। सेनेका नाम के एक अमीर इंसान रोम में रहते थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी और स्टोइक के अभ्यासक भी थे। रोज रात को सोने से पहले वह इस कल्पना का प्रयोग करते थे कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। वह सिर्फ कल्पना ही नहीं करते थे, बल्कि उसका प्रयोग भी करते थे। वह एक हफ्ता बिना नौकरों के रहने का अभ्यास करते थे। साथ ही वह हमेशा के शाही खाने और पेयों के बिना रहने का अभ्यास भी करते थे। इसकी वजह से बुरे से बुरा क्या होगा इस सवाल का जवाब उनके पास तैयार रहता था और उसके प्रति उनकी चिंता हमेशा के लिए नष्ट होती थी। उच्च भावनाओं के लिए ध्यान। जैसे हमने शांति के लिए प्रार्थना में देखा, उस प्रकार से नकारात्मक परिस्थितियों की कल्पना करने के साथ साथ वे एक चीज और बड़ी निरंतरता से कर देते हैं। जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उस चीज को भी वे समझते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं आती उनके बारे में चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीजें बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी की वजह से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलती है। इपिक्टेटस कहते हैं कि अपने साथ क्या घटना होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जैन बुद्धिज्म मानता है कि इच्छाओं और आकांक्षाओं को सजगता से देखना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। अपने मन को विचारों से मुक्त करना नहीं, बल्कि विचारों को साक्षी भाव से देखना और उनके साथ बहते हुए नहीं जाना ही ध्यान का असली मकसद है। इस प्रकार का अभ्यास करने की वजह से हम अपने मन को क्रोध, निराशा और द्वेष के भाव से बहते जाने से बचा सकते हैं। बुद्धिज्म में भावनाओं को मिटाने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मणि पद्मे हुम। इसमें ओम अहंकार को नष्ट करने का वाला है, द्वेष को नष्ट करने वाला म, नी यानी संयम जिसकी मदद से इच्छाओं पर जीत हासिल की जा सकती है, पद यानी द्वैत के परे, में यानी लोभ का नाश और हुम यानी दूसरों के प्रति जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें नष्ट करना। आज और अभी अस्थिरता को मार। दृढ़ता लाने के लिए एक और उपाय है, यह तय करना कि कौन से काल में जीना है। बुद्धिज्म और स्टोइनिज्म दोनों में यही सीख दी जाती है कि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिएं और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें। बौद्ध संत थिच हैट हन कहते हैं कि एक ही पल है जिसे आप सही मायने में जी सकते हैं और वह है वर्तमान का पल। वर्तमान में जीने के साथ साथ स्टोइक्स अपने आजू बाजू की अस्थिर चीजों के प्रति भी सजग रहते हैं। मार्क्स आरेलियस रोम के राजा थे। उन्होंने कहा था कि हम जिन चीजों को प्रेम करते हैं
वे पेड़ के पत्तों की तरह होती हैं। हवा के एक झोंके से भी वे गिर जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती हैं, वे हादसों की वजह से नहीं घटती, वह तो इस विश्व में काम करने का तरीका होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे आजू बाजू में हैं और जो चीजें हमारे पास हैं, वे सभी कभी न कभी नष्ट होने ही वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछे बहते हुए नहीं जाएंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल में मौजूद हैं उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। सेनेका बताते हैं कि इस विश्व की हर चीज नश्वर है, क्षणभंगुर, अस्थिर और सदा बदलने वाला यह जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को सदा याद रखने से इनके खो जाने या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता है। वाबी साबी और इचिगो इचिड। क्षणभंगुर और सदा बदलने वाली इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला वाबी साबी जापानी संकल्पना है, जो हमें बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इसीलिए जापान के लोग ऐसी कहावतें हमेशा टूटे हुए कप पर या अपूर्ण वस्तुओं पर लिखकर रखते हैं। अपूर्ण, क्षणिक और सदोष वस्तुएं असल में सुंदर होती हैं, क्योंकि कुदरत भी ऐसा ही है। इसी संकल्पना की पुष्टि करने वाली और एक जापानी संकल्पना है इचिगो इचिड, जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी भी वापस नहीं आता है। इस पंक्ति का हर सामाजिक सम्मेलन, समारोह और कार्यक्रमों में जानबूझकर जिक्र किया जाता है। एक दूसरे को याद दिलाया जाता है कि भूतकाल की समस्याओं में ना खोते हुए वर्तमान के पल को खुशी से जीना है। चाय के लिए इकट्ठा होने पर जैन मेडिटेशन और जापान में होने वाले मार्शल आर्ट, इन तीनों ठिकानों पर वर्तमान में जीने को जोर दिया जाता है। पश्चिमी देशों में हमें पहले से ही पक्की इमारतें और सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। रोमन आर्किटेक्ट ग्रेसो अपनी असाधारण कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बनाई दो चीजों में समानता, कुशलता और एक जैसा दिखना, और साथ ही उनका सालों साल वैसे का वैसा रहना, इन सभी बातों के लिए वे पहचाने जाते हैं। जापानी आर्किटेक्ट कभी भी सर्वोत्तम के आग्रही नहीं होते हैं, वे चैतन्य और वाबी साबी की संकल्पना पर काम करते हैं। वहाँ की बड़ी से बड़ी इमारतें भी लकड़ी से बनी हुई होती हैं। उन्हें इमारत बनाते वक्त ही पक्का होता है कि हमें इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाना है और हमारी अगली पीढ़ी को इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है। जापानी संस्कृति ने स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीजें दोनों क्षणभंगुर हैं। द ग्रैंड श्रीन इस हर 20 साल बाद दोबारा बांधा जाता है। उसके पीछे का मकसद यह नहीं होता कि पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तु वैसा ही रहे, बल्कि परंपरा और संस्कृति को संभालना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाली वस्तुओं से भी इंसान की बनाई हुई कुछ समय टिकने वाली चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं। हमें एक बात को स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि आगे बढ़ने वाला समय और हमारे आजू बाजू की क्षणभंगुर चीजें। इचिगो इचिड हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देती हैं, जिसकी वजह से हमें इकिगाई ढूंढने और उसके अनुसार काम करने में मदद मिलती है। वाबी साबी हमें अपूर्णता में भी विकास का मौका खोजने में मदद करती है। लचीलेपन के परे कठोरता। एक पौराणिक कथा में ऐसा बताया गया है कि हरक्यूलस ने जब हाइड्रा नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग किया तो वहां पर एक की जगह दो सिर तैयार हो गए। उसे समझ में आया कि हम इस राक्षस को कभी भी मारकर खत्म नहीं कर सकते। नासिम निकोलास की कथाओं में कठोरता के प्रति स्पष्टीकरण दिया गया है। कठोरता का अर्थ विकृतियों से निर्मित होने वाली चीजें बताया गया है। हमारी जैविक की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्राणी, मनुष्य, पेड़ और वस्तु जिन्हें हानि पहुंचाने के बाद वे कमजोर होती हैं, जैविक कहलाती हैं। जो प्रतिकार करते हैं और समस्या में भी टिके रहते हैं, उन्हें दृढ़ और कठोर कहते हैं। लेकिन जिन चीजों को कुछ हद तक हानि पहुंचाने के बाद वे फिर से उभर कर आती हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। हाइड्रा के पास एक अनोखी शक्ति थी। कथा में ऐसा बताया गया है कि जब जब उस पर हमला होता था, वह और उभर कर आता था और नई ऊंचाई प्राप्त करता था। दृढ़ यानी वह जो कठोर होता है और समस्या आने पर फिर से उभर कर आता है और अपने मूल स्थान पर लौटता है।
प्रतिजैविक यानी जीव जिस पर हमला होने के बाद वह पहले की तुलना में और ज्यादा प्रतिभावान होकर उभरता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में और आपत्तियों में प्रतिजैविकता देखने को मिलती है। सन 2011 में जापान के तोहोकू इलाके में सुनामी आई और फुकुशिमा जैसे सागरी किनारे के कई सारे गांवों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। हमने करीबन 2 सालों के बाद जब उस जगह का दौरा किया तो हमें सड़क के दोनों ओर कई निर्जन गांव दिखे। वहां के रास्ते जैसे गायब हो गए थे, घर खाली पड़े थे और वहां पर गाड़ियां भी नहीं थी। वहां के पेट्रोल पंप खाली थे और रेलवे स्टेशन बंद थे। सरकार इन गांवों को भूल गई थी, इसीलिए इन गांवों का विकास होना असंभव था। इशिनोमाकी और केसेनुमा का भी बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में वे फिर से अपने पुराने स्तर पर आ गए। फिर से अपने पहले स्तर पर आने वाली इशिनोमाकी और केसेनुमा इन दो गांवों ने अपनी कठोरता सिद्ध की। जिस भूकंप की वजह से सुनामी आई थी उसका सबसे बड़ा झटका फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को लगा था। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। वह कंपनी, वहां के इंजीनियर इस झटके को कभी भी उभर कर नहीं आए। अगर अगले 10 साल तक उस कंपनी के उभरने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इस विपत्ति में यही बात सामने आई कि वह कंपनी कितनी कमजोर है। भूकंप के बाद कुछ ही समय में जापानी स्टॉक मार्केट बंद हो गया। उसके बाद कौन सी कंपनियों के शेयर बढ़े होंगे? जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में थी, जिन्हें इन गांवों के पुनर्निर्माण का काम मिलने वाला था, वही कंपनियां और उनके शेयर्स आगे बढ़े। उन कंपनियों ने प्रतिजैविक होने का सबूत दिया क्योंकि उन कंपनियों ने समस्या में पहले से ही बड़ी छलांग लगाई। अब इसी संकल्पना का हम अपने रोज के जीवन में कैसे फायदा ले सकते हैं, इसे समझते हैं। पहला, एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहें। आप कभी भी एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहें। अपनी वर्तमान कुशलता के साथ और भी कलाएं सीखें। इससे होगा यह कि अगर कभी परिस्थिति या आधुनिक खोजों की वजह से आपके मुख्य काम में कोई दुविधा आई या वह काम इतना फायदेमंद ना रहा तो आप दूसरे विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। हमने ओगोमी में जिन जिन लोगों से बात की उनमें से हर एक के पास पैसे कमाने के लिए एक से ज्यादा मार्ग उपलब्ध थे। वे अपने बनाई चीजें तो बाजार में बेचते ही थे, साथ ही अपने बगीचे में उगाई सब्जियां भी बेच लेते थे। इस कहावत को सदा याद रखें, अपने सभी अंडे एक ही बक्से में न डालें। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी कला असाधारण है और आप बहुत महान काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको नई बातें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ यही कला पीछे जा सकती है। सदा नए नए गुण सीखने की वजह से आप किसी भी एक चीज पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन लोग खुद को संतुष्ट करते हैं और अपनी आराम सीमा को तोड़ने का कष्ट नहीं करते। दूसरा, छोटे खतरों का सामना करें। अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसे समझने के बाद आपको इस बात को समझने में सहायता होगी। समझो आपके पास 1 लाख रुपए है। आप उसमें से 90,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और बचे हुए 10,000 रुपये 10 अलग-अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, हर कंपनी में 1,000 रुपये। अब मान लो कि उसमें से 3 कंपनियां पूर्ण रूप से विफल हो जाती हैं। आपके 3,000 रुपये डूब गए। 3 कंपनियों को थोड़ा नुकसान हुआ जिससे आपका भी 1-2 हज़ार रुपयों का नुकसान हो गया। 3 कंपनियों को थोड़ा फायदा हुआ जिससे आपको भी 1-2 हज़ार रुपयों का फायदा हो गया। एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उनका शेयर 20 गुना बढ़ गया। आपको उस कंपनी से 20,000 रुपये मिले, यानी बाकी कंपनियों को नुकसान होने के बावजूद आपका फायदा हुआ, यानी आप भी हाइड्रा जैसे प्रतिजैविक हो गए। लेकिन प्रतिजैविक होने के लिए छोटे छोटे खतरों का सामना करने की तैयारी चाहिए। पेपर में आई किसी जानकारी को पकड़कर किसी कंपनी में 1 लाख रुपये निवेश करना बड़ा खतरा है। तीसरा, कमजोर बनाने वाली चीजों से दूर रहें। हमें इसके लिए नकारात्मक विचारों की मदद लेनी चाहिए। खुद से पूछें कि कौन सी चीज़ें आपको कमज़ोर बना रही हैं, किन लोगों या आदतों की वजह से आपको खतरा महसूस हो रहा है। हम जब नए साल के लक्ष्य बनाते हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय यदि हम यकीन के साथ और सोच समझ कर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें तो ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटे छोटे लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं, 2 भोजनों के बीच में नाश्ता नहीं करूँगा, हफ्ते में 1 बार ही मीठा खाऊंगा, छोटी छोटी किश्तों में अपना सभी खर्चा लौटा दूंगा, गलत लोगों के साथ समय बिताना बंद करूंगा, सिर्फ जरूरत के लिए काम करने की बजाय पसंद का काम करूंगा,
दिन भर में 20 मिनट से ज्यादा समय फेसबुक पर नहीं बिताऊंगा। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए डर को हराना जरूरी है। हमें किसी भी समस्या को मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। अगर हमने इस प्रतिजैविकता के नजरिए को विकसित किया तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपना इकिगाई जरूर पूरा कर सकते हैं। वाबी साबी कहता है कि जीवन सदोष यानी गलतियों के साथ ही होता है और तेज गति से आगे जाने वाला समय हमें यही बताता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन अगर हमें हमारा इकिगाई स्पष्ट है तो इस वर्तमान पल में भी अनंत संभावनाएं हैं। सारांश, इकिगाई जीवन जीने की कला। 20वीं सदी में मित्सुयो आइडिया नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं। इकिगाई के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले लोगों में वह भी शामिल रहे हैं। शैडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज्यादातर कविताएं वर्तमान पल को महत्व बताने वाली हैं। नीचे दी गई कविता इसी प्रकार की है, जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वह है तुम्हारा अस्तित्व। और एक कविता में वे कहते हैं कि आज अभी वर्तमान में जिए। यह कविता यह दर्शाने वाली कलाकृति है कि इस विश्व में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। यह पक्का होने के बाद ही हमारी निराशा नष्ट हो जाती है। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे पूरा करने से ही जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो हर पल फ्लो में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा कैलीग्राफर को कैनवास पर काम करते वक्त मिलता है और 50 साल सुशी बनाने के बाद भी शेफ को मिलता रहता है। वे आज भी अपने ग्राहकों के लिए उतनी ही खुशी से सुशी बनाते रहते हैं। निष्कर्ष, हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमें खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारे असली स्वभाव को दूर लेकर जाता है। पैसा, सत्ता और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीजों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और इंट्यूशन है उसका होका यंत्र की तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएगा। उसका लाभ लें और अपने असली आनंद तक पहुंचें। जो चीजें पसंद नहीं आती हैं उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ की खोज करते रहें। जीवन उद्देश्य का अर्थ कोई महान कार्य करना है वो ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने में भी आपको आपका इकिगाई मिल सकता है। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहें। इकिगाई के 10 नियम। ओगीमी लोगों से मिलने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ में आए। उनको समझकर हम इस यात्रा की समाप्ति करते हैं। पहला, सदा कार्यरत रहें और कभी भी सेवा निवृत्त ना हो। जो लोग अपना पसंदीदा काम करने बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसीलिए आपको जो चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें। दूसरा, जल्दी ना मचाएं। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। तीसरा, पेट भरकर ना खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। पेट भरकर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 80% ही खाना खाएं। चौथा, अच्छा मित्र परिवार। दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें और एक दूसरे से बातचीत करें। सलाह लें और सलाह दें, मजे करें, स्वप्न देखें और खुलकर जीवन जिएं। पांचवा, अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है।
जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं। छठा, हंसी। हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं, इसी के साथ शांति भी मिलती है, छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है। सातवां, कुदरत के साथ जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों, फिर भी हमारी निमृति कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है, इसीलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। आठवां, धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है, उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नौवां, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा लें और उस पल को अविस्मरणीय बनाएं। दसवां, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज होती है और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो विक्टर फ्रंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने का आपका इकिगाई बनाए। आप सभी को लंबे, आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं। हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मेरेलस।